Hi, guys, uh, thank you for joining me in this live webinar on YouTube. My name is Manmohan Gupta, and uh, I'll be taking uh, this webinar today. Uh, the topic of the uh, webinar is uh, uh, limits, continuity, differentiability, and derivative of a function. So, guys, I am um, uh, i'm from vidhamande classes i'm one of the co-founders and teaching mathematics uh, from last almost like 25 years now so uh, like people ask me so are you not bored of teaching mathematics i, I generally the, my answer is I am, I'm, it, it runs in my blood uh, especially the je part i've been doing from last 20, 25 years and then um, to mujay what is my sp specialty if you ask me because there's so many teachers around so uh, i try to make things as simple as possible so that even you know all students of all level can understand uh, what i'm teaching so so making things simple and uh, express them in a simple way is is the you know my secret sauce so uh, guys this uh, is is a very different uh, kind of webinar where uh, i will uh, touch the concepts in a very brief manner so मैं चीज़ों को पढ़ाऊँगा लेकिन बहुत मिनिमम तरीके से बिकॉज जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं अगर उनको अगर आप पढ़ाने बैठेंगे पूरा इसमें पढ़ाता हूँ अपनी विद्या मंदिर में क्लासेस में तो इट इज़ नॉट मोर नॉट लेस देन फिफ्टी आवर्स और मे बी मोर देन दैट सो एंड वी हैव लाइक टुडे वन आवर और मे बी लाइक सेवेंटी फाइव मिनट्स सो यहाँ पे जो मैंने क्या किया जो uh, जनवरी में जो ट्वेंटी ट्वेंटी में जिसका एग्ज़ाम आपने भी दिया होगा जो मीन्स का एग्जाम हुआ था मैंने उसके सारे क्वेश्चन जो छः पेपर हुए थे सारे मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं तो मैं उन क्वेश्चनस को पार्टली डिस्कस करूँगा और उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं उनको मैं एक बार आई वॉन्ट टू टीच दोज़ कॉन्सेप्ट एंड मेक श्योर दैट यू नो यू 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 हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज कॉन्सेप्ट सो बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू शो यू दिस स्लाइड सो दिस इज़ वॉट हैपन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी जनवरी दे व सिक्स एग्ज़ाम्स वन वॉज ऑन सेवंथ जनवरी मॉर्निंग सेवन्थ इवनिंग एट्थ मॉर्निंग एट्थ इवनिंग नाइन्थ मॉर्निंग नाइन्थ इवनिंग और आपने इनमें से कोई एग्जाम दिया होगा और मैंने साथ में ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैंने साथ में लिखा है कितने क्वेश्चन सेवन जनवरी को इन टॉपिक्स में से आएँ कौन से टॉपिक फंक्शंस लिमिट्स कॉन्टिनिटी डिफ्रेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। पांच क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग में सेवन जनवरी को और इवनिंग में सेवंथ की इवनिंग में तीन क्वेश्चन आए हैं और फिर एट्थ को फिर तीन क्वेश्चन आए हैं लेकिन एटथ की इवनिंग में देखो आप एक ही क्वेश्चन आए इन टॉपिक में से नाइन्थ की मॉर्निंग में भी एक ही क्वेश्चन आया है इवनिंग में थ्री क्वेश्चन आए हैं ये तो तीनों ठीक है तीन दिन तीन है ये आप देखिए कितना गैप है ये पाँच क्वेश्चन आए थे और यहाँ पे दो क्वेश्चन आए एक ही क्वेश्चन आया खाली तो अब ये जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया और मल्टीपल टाइम स्लॉट्स में होता है तो ये यूनिफॉर्मिटी खराब हो गई है अब कहना कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन आएंगे वो अभी भी कुछ टॉपिक का फिक्स है लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी खराब होगी आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन आएंगे तो ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का जो आधा पार्ट है इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पांच क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन आएगा कुछ पता नहीं है कुछ पक्का नहीं है तो हर टॉपिक में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ लर्निंग करके जाना पड़ेगा आपको कि क्योंकि अब डिविजन कोई क्लियर नहीं है अब सो द नेक्स्ट थिंग आई आई वॉन्ट टू शो यू यू नो द सो दिस इज द इफ आई कंबाइंड क्वेश्चन फ्राम ऑल दी सिक्स पेपर्स टुगेदर उसमें मिला के मेरे पास छः क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बेस्ड हैं सॉरी पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन लेना है पांच ऐसे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया पाँच क्वेश्चन है मैक्सम नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं फिर लिमिट्स के ऊपर जहाँ लिमिट्स एवेलुएट करनी है लिमिट्स वर्कआउट करनी है वहाँ चार क्वेश्चन हैं क्वान्टिटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी पे तीन क्वेश्चन हैं फंक्शंस पे चार क्वेश्चन है तो ये जो सोलह क्वेश्चन आए आपके छः पेपर के अंदर सेवन्थ के दो पेपर एट्थ के दो पेपर और नाइन्थ के दो पेपर छः पेपर में जो सोलह क्वेश्चन आए इन टॉपिक्स में से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जेई प्रिपरेशन में उसमें ये डिवीजन है डेरिवेटिव देरि, पांच क्वेश्चन लिमिट्स के चार तीन कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंशबिलिटी के और चार क्वेश्चन फंक्शंस के तो पहले हम चलते हैं लिमिट्स के ऊपर कि लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा होगा आपका स्कूल के टॉपिक में भी आता है जेई के टॉपिक में भी आता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लिमिट्स के हैं हमें ये लिमिट वर्कआउट करनी होती है वी हैव टू से वर्कआउट दिस लिमिट एवैल्यूट दिस लिमिट एज एक्स अप्रोच सम नंबर ए इट कैन बी जीरो इट कैन बी इन्फिनिटी इट कैन बी एनी फाइनेट नंबर एक्स अप्रोच इज ए फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द लिमिट टॉपिक ज दिस वी हैव टू वर्कआउट दिस लिमिट तो इसको पहले मैं क्विकली समझा रहा हूं मतलब क्या रिवाइज करा रहा हूं मतलब कर रहा है एक्स ए को अप्रोच कर रहा है अप्रोच करेगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है वो किसके पास जाएगा तो हम इसकी लिमिट्स के दो पार्ट बन जाते हैं लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है एक्स ए को और राइट right से भी अप्रोच कर सकता है तो हमारे इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम राइट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रॉम लेफ्ट में मतलब हम वर्कआउट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच इज ए फ्रॉम लेफ्ट ए माइनस लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट से अप्रोच करना है राइट हैंड लिमिट इज अगेन लिमिट निकालनी है एक्स ए को अप्रोच कर रहा है लेकिन इस बार वो राइट right से अप्रोच कर रहा है राइट हैंड लिमिट निकालनी है ये दो लिमिट निकाल है। निकालते हैं इनके दूसरे फॉर्मलेस भी हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं आपने हम श्योर पढ़े होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का दूसरा फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं जो एच है की फॉर्म में आता है लिमिट एच अप्रोच इज जीरो माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मला है राइट हैंड लिमिट का फॉर्मला है लिमिट एच एट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इज लिमिट एच अप्रोच इज जीरो प्लस एच तो दोनों में सिर्फ ये फर्क है यहाँ माइनस एच है और यहाँ प्लस एच है सिर्फ माइनस का फर्क है और तुम अपने ये जरूर ध्यान रखना है दोनों में जो एच है एच इज़ अ पॉजिटिव नंबर एच इज़ इन्फानिटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर राइट इन एच इज़ इन्फानिटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेट नॉट राइट इट सेव टाइम एच इज इन्फानिटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर तो ये यहाँ से वर्कआउट करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है लिमिट एग्जिस्ट कब इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट

हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एक्स वन के पास जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन किसके पास जाएगा तो यहाँ पे हम पहला स्टेप क्या लेते हैं कि हम एक्स को वन प्लग इन करके देख लेते हैं एक्स को वन यहाँ डाल लिया हमने देखा कि अगर एक्स वन के पास जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन वन का क्यूब वन हो गया ये फोर के पास जाएगा ये माइनस थ्री है ये फिर वन को अप्रोच कर रहा है वन का स्क्वायर है ये और ये सिक्स है तो प्लग इन करके देखा हमने एक पार्ट फोर को जा रहा है एक पार्ट माइनस थ्री है और एक सिक्स है तो ये ओ का सेवन हो गया अप्रोचिंग सेवन हो गया तो आंसर सेवन हो गया x अगर 1 के पास जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन हमने प्लग इन कर दिया x इक्वल टू वन और देखा ये 7 के पास जा रहा है लिमिटिंग वैल्यू 7 हो गई सिर्फ प्लग इन कर दिया हमने अंदर डाल के देखा तो 7 आ रहा है सेम यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन में हमने देखना है पहले x इक्ल टू जीरो प्लग इन करके प्लग इन करके देखा कि इसकी अगर जीरो के पास जा रहा है तो कॉस जो जीरो होगा अब देखो जो कॉस जीरो होता है वो वन होगा ये वन के पास जा रहा है ये आपका जब ये एक्स जीरो के पास जाएगा तो ये माइनस थ्री के पास जाएगा ये सेवन के पास जाएगा डिवाइड बाय ये ये आपका ज़ीरो है तो ये आपका ज़ीरो के पास जाएगा ये जीरो के पास जा रहा है ये भी ज़ीरो के पास जा रहा है एक्स जीरो माइनस फोर्टीन है तो ये मिला के आपका आ गया फाइव बाय माइनस फोरटीन ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई आपकी आपने सिर्फ उठा के एक्स इक्वल टू जीरो प्लग इन करना है वन माइनस थ्री प्लस सेवन फाइव हो गया और यहाँ डिनोमीटर में एक्स जीरो ये जीरो ये माइनस फोर्टीन है तो ये आंसर आ गया तो ये हम लिमिट इजीली वर्कआउट कर पा रहे हैं बिकॉज हमने प्लग इन कर दिया लेकिन फिर हम अगर आप देखो आपने देखा होगा इंडिटेमिनेट फॉर्म्स होती हैं इंडिटेमिनेट फॉर्म मतलब जहाँ पे कि जैसे मैं एग्जांपल दूँ इंडनेट फॉर्म है कि अगर आपको लिमिट एक्स अप्रोच इज़ ज़ ज़ीरो निकालना है वो इज साइन एक्स बाय एक्स अगर एक्स जीरो अप्रोच करता है तो आप देखो न्यूमरेटर भी जीरो अप्रोच कर रहा है डिनोमेटर भी अप्रोच जीरो कर रहा है तो इस केस में आप प्लग इन नहीं कर सकते एक्स इक्व टू जीरो जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन में किया है अब जीरो प्लग इन नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो बाय ज़ीरो आ रहा है

हमारे पास तीन मेथड हैं तीन रूल हैं वर्कआउट करने के एक है पहला फार्मूला मेथड दे सम फॉर्मूलाज वी अप्लाई एंड वर्क इट आउट एल शो यू द फॉर्मूलाज वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल और वी से एल रूल टू वर्कआउट द इंडिटेमिनेट फॉर्म एंड थर्ड इज एक्सपेंशन तो तीनों में से एक मैथड या दो मैथड किसी क्वेश्चन में लगा के आप लिमिट को वर्कआउट कर सकते हो तो बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है अगर आपने ये सीखा हुआ है या अभी आप सीख रहे हैं तो रिवाइज कर लो अगर आपने अभी पहले पढ़ा था भूल गया तो रिविजन समझो लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है ये इसमें नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ने है आपने तो मैं... अब मैं आपको ये हमारे छह फॉर्मूले हैं पहला मेथड क्या था वर्किंग लिमिट्स आउट यूजिंग फार्मूला तो पहला मेरा ये है साइन एक्स बाय एक्स ये वन है याद रखना है ऐसे साइन इनवर्स वर्स है एक्स बाय एक्स जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा उसको वन रिप्लेस करना है टेन एक्स बाय एक्स को वन रिप्लेस करना है टेन ये सारे टेम्पलेट्स जो आपको याद करनी पड़ेंगे ये एक है लॉ की टेम्पलेट है ई डी दो पार एक्स पहले ये याद कर लो ई की पावर है ईडी दो पार एक्स माइनस वन बाय एक्स अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है ये इंडटर्मिनेट फॉर्म आ रही है तो आपने सीधा वन यूज़ करना है ऐसे ये आपने इसको लॉगे लेना है ये ई लेना है और ये आपका वन है तो ये आपकी जो टेम्पलेट्स हैं इनको आपने याद करनी है जो पहले याद की भी होंगे आपने शोर लेकिन इनको रिवाइज करके जाना है सारे टेम्पलेट्स को ये सारे रिजल्ट हैं तो ये अप्लाई कैसे करते हैं लेकिन पहले ये रिजल्ट ऐसे हैं जैसे अगर मान लें मैं ये एग्जाम्पल लूँ कि ड्रम लिमिट एक्स अप्रोच इज ज़ीरो जैसे ये साइन एक्स बाय एक्स है अगर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है ये भी वन होगा क्योंकि जो सारे रिजल्ट हैं वो इस तरह से हैं कि साइन के साथ जरूरी नहीं है एक्स हो साइन के साथ कोई भी फंक्शन एफ एक्स आ सकता है टेम्पलेट है एक तरह की ये 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 एक तरह की टेम्पलेट है या टेम्पलेट है फॉर्मेट है पूरा यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है एफेक्ट्स आ गया यहाँ पे अगर यहाँ एफेक्ट्स आया है तो वही एफेक्ट्स यहाँ होना चाहिए और साथ में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है एक्स कहाँ को अप्रोच कर रहा है तो ये होना चाहिए एज एक्स अप्रोचेज ए ये आपने समझना समझा होगा पता होगा रिवाइज़ करा रहा हूँ मैं लेकिन पहले नहीं समझा था आपने इस तरह से तो समझना जरूरी है एज एक्स अप्रोचेज एफ एक्स अप्रोच इज जीरो तो जब भी ये फॉर्मेट बन रहा है answer one. So it is not necessarily it is not necessary it is not necessary just a minute it is not necessary sine x by x. It can be you know sine any function fx divided by the same function and this function should approach to zero. सो दिस टेम्पलेट यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस यू नो कि एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है वो फंक्शन डिनोमेटर में भी होना चाहिए वो जीरो भी अप्रोच करना चाहिए एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल टेम्पलेट्स सबके साथ यही है तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर है इस लिमिट को वर्कआउट करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया मैंने न्यूमरेटर में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का हाफ एंगल फॉर्मूला और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है लेकिन एंगल यहाँ x बाय टू है तो यहाँ भी x बाय टू चाहिए एंगल मुझे तो मैंने यहाँ फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अब ये जो पार्ट है अब ये देखो ये वाला पार्ट ये पार्ट मेरा टेम्पलेट बन गया कैसे टेम्पलेट बना टू बाय फोर को हाफ लिख लिया ये बन रहा है साइन एक्स बाय टू न्यूमरेटर में डिनोमेटर में साइन एक्स बाय टू और पूरे का स्क्वायर है ऐसे हो गया और ये मेरा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वन है अगर आप ये देखो ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वन है क्यों क्योंकि ये एंगल जो मेरा एक्स के साइन के साथ है वही एंगल यहाँ पे है और एंगल जीरो भी अप्रोच कर रहा है बिकॉज एक्स अप्रोचेज जीरो है एक्स अप्रोचेज जीरो है तो ये एक्स बाय टू भी जीरो अप्रोच कर रहा है तो एक न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है साइन का जिसके साथ जो एंगल है वो जीरो अप्रोच कर रहा है और वही एंगल डिनोमिनेटर में है ये टेम्पलेट थी ये जो एक्सप्रेशन है मेरा ये जीरो

यू कैन नॉट प्लग इन द वैल्यू बिकॉज इट्स ज़ीरो बाई ज़ीरो लेकिन यहाँ पे ये एंगल ज़ीरो नहीं अप्रोच कर रहा अगर आप देखोगे साइन में ये जो पाई कॉस्क्वेर एक्स है एक्स जीरो पर यह पाई को अप्रोच कर रहा है ये अप्रोच इस पाई है लेकिन साइन में एंगल जीरो होना चाहिए था तो मैंने थोड़ा ये ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक लगानी पड़ती है मैंने क्या करा साइन पाई माइनस थीटा तो मैंने यहां भी ऐसे कर दिया पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लिया और यहां पे मैंने क्या लिखा इसको साइन पाई कॉमन लेके वन माइनस स्क्वायर स्क्स बन गया साइन स्क्वास अब मैं देख सकता हूँ ये एंगल जीरो अप्रोच कर रहा है एक्स अप्रोचेज जीरो पे एक्स अप्रोचेज जीरो पे साइन जीरो जीरो हो गया अब मैं ये टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ मैंने डिवाइड भी कर दिया पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया पाइन साइन स्क्वायर एक्स से और ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया ये मेरी टेम्पलेट के कोई वन हो गया टेम्पलेट बन गई

Learning, you know, uh, एक दिस एन एन लर्निंग यू नो इज क्वेश्चन भी देख लेते हैं हैं क्विकली पे हम देखते हैं। पहले तुमने देखा प्लग इन करके तो तो ये बन रहा है, जीरो जीरो बन रहा रहा है 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 अब खुद चेक जीरो जीरो तो कर रहे ना वर्कआउट कैसे करें माइनस वन सेम चाहिए ये जीरो, जीरो। तो, है, जरूर तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बन रहा है इसको थोड़ा हमें हमेशा ट्रिक लगानी पड़ती है एकदम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा मैंने इट दो पार एक्स को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ऐसे समझो इड दो पार्ट टेन एक्स था मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी किया मैं दोबारा कर रहा हूँ मैं ये देखो अब ऐसे दोबारा लिख रहा हूँ उसको मैं समझाने के लिए कैसे आया ये ये टेन एक्स माइनस एक्स है तो मैंने इस पार्ट में सी दिस पार्ट में मैंने ई डो दोपहर एक्स से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया क्योंकि मुझे ई डो दो पार एक्स कॉमन लेना था दैट इज़ वाई आई हैड टू डू इट कि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए नाउ अब ये जो मेरा ईडो दोपहार एक्स है यहाँ भी है और यहाँ भी है, मैंने उठा के इसको बाहर पुल आउट कर लिया बाहर कॉमन ले लिया बाहर चला गया ये अब क्या बचा ब्रैकेट के अंदर मेरा ई डू दो पार टेन एक्स बचा न्यूबरेटर में डिनोमिनेटर में बचा ई डू दो पार एक्स यहा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको मैंने माइनस एक्स लिख लिया ये प्रॉपर्टी है यू नो दैट ई डू दो पार ए डिवाइडेड बाई ई डू दो पार बीज पावर को माइनस कर देते हैं ई डू दो पार ए माइनस बी अगर बेस सेम है ई ई तो पावर सेपरेट हो जाती है बेस सेम था यहाँ पे ई की पावर में टेन एक्स है और ई की पावर में एक्स है पावर सेपरेट हो गई माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस एक्स तो ये आपका आप देखो ये मेरा पूरा टेम्पलेट बन गई पूरा का पूरा वही सेम कि जो पावर में है है ये जो मेरा वही यहां पर सेम बन गया ये वन बन गया तो आंसर में आ गया गया मेरा लिमिट ये खाली तो बच पे बन रहा है अभी अभी आप प्लग इन कर सकते हैं जीरो पे आंसर वन आ रहा है प्लग इन कब नहीं कर सकते जब वो इंडिटेमिनेट फॉर्म है तो ये क्वेश्चन अभी मैंने वीएमसी के मॉडल में से लिया है मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सेम क्वेश्चन अब देखो इस साल जनवरी में आया था सेम क्वेश्चन आया तो वहां भी हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा मेथड था जब मुझे लिमिट वर्कआउट कर रहा हूँ मैं यूजिंग फॉर्मूला मेथड। दूसरा है कि लिमिट वर्कआउट कर सकते हैं हम यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल यूजिंग एल एच रूल से हम लिमिट वर्कआउट कर सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि लिमिट वर्कआउट करनी है मुझे और इस तरह की मेरी फॉर्म है एफ एक्स बी एक्स है ये इंपॉर्टेंट है रेशो फॉर्म होनी चाहिए एफ एक्स बाय होनी चाहिए मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसी अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म है मेरी जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दैन एल एच रूल सेज दैट टू वर्क आउट दिस इंडिटर्मिनेट फॉर्म विच इज इधर टाइप जीरो बाय जीरो या फिर इन्फिटी बाई इन्फिनिटी तो क्या करो आप डेरीवेटिव लो न्यूमरेटर का डेरीवेटिव लो एफ और डेरीवेटिव डिनोमिनेटर का लो दोनों का डेरीवेटिव सेपरेटली लेके उसकी लिमिट वर्कआउट कर लो सो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर सेपरेटली दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया इसकी लिमिट वर्कआउट कर लेंगे हम अगर ये भी वर्कआउट नहीं होती है तो एक बार और एल एच रूल लगा लो आप बार बार लगा सकते हो फिर आप कहोगे कि मेरे से आपने कहा ये मेरे से वर्कआउट नहीं हो रहा अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा तो इसके बाद दोबारा एल एच रूल लगा दिया दोबारा न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया और दोबारा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया ये एल एच रूल है ये बहुत ही काम का रूल है ये बहुत क्वेश्चन में यूज़ करते हैं अभी हम दो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे देखो जनवरी के कि जहाँ पे अपने न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया डिनोमेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया और फिर जो रेशो आती है उनकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली ऑरिजिनल क्वेश्चन की नहीं निकाली डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है तो ये अगर हम इस, इस वाले क्वेश्चन पर लगाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट ये तो मुझे लिमिट वर्कआउट करनी है डिटोमिनेट फॉर्म है चेक कर लो न्यूमरेटर जीरो जाना चाहिए या डिनोमीटर भी जीरो जाना चाहिए या फिर न्यूमरेटर इन्फिनिटी जाना चाहिए डिनोमेटर इन्फिनिटी जाना चाहिए इस केस में यूज होगा ये तो डिफरशिएट तो किया मैंने न्यूमरेटर को डेरीवेटिव लिया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस अपनी जगह है कॉसिस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ये और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है एक्स का टू एक्स क्वेश्चन किया था हमने पिछले पेज पे इसके बाद मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया लिमिट एक्स जीरो और मेरा आया हाफ टाइम एक्स बास अब मेरे को एल एच रूल की जरूरत नहीं है साइन एक्स बायस फॉर्मुला बन गया इसको मैं वन रिप्लेस कर सकता हूं तो आंसर हाफ हो गया इसको मैं ये वन को अप्रोच कर रहा है पहले मैंने एल एच रूल से किया सिंप्लीफाई डेरिवेटिव से किया फिर मैंने देखा ये तो फॉर्मुला आ गया साइन एक्स बायस आंसर हाफ आ गया तो दोनों हमने अप्रोच मिक्स कर लिए। लेकिन क्या देखा आपने कैसे एल एच लगाना है कॉस एक्स वन माइनस कॉसेक्स का डेरिवेटिव ये मेरा आ गया और एक्सक्वेर का डेरिवेटिव ये आया है सेपरेटली डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर यहाँ पे फॉर्मला लगाना है सेम हमने डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लिया मैंने यहाँ पे थ्री एक्स आ गया डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस बार है एक्स का डेरिवेटिव टेकिंग डेवेटिव एक्स कॉन्सटेंट देक्सटेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स फॉर्मूला माइनस ओपन कर दिया माइनस ओपन करेंगे तो माइनस कॉस एस कॉसेस से कैंसिल हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर मैंने x से x एकस कैंसिल कर दिया गया वन बाय थ्री साइन एक्स बाय एक्स फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइना एक्स बाय वन का मेरा वन बाय थ्री आ गया तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था ये मेरा तरीका था ये दो एग्जांपल से समझा हमने कैसे हॉस्पिटल रूल लगाना है आपने अब थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन होता है लिमिट का एक्सपेंशन एक्सपेंशन यूज़ करके एक्सपेंशन के सम फॉमूलाज हैं मैं उनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा फॉमूलाज ये हैं ये आपने फॉर्मले सारे याद करनी है एक्सपेंशन ऑफ इ टू द पार एक्स इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं वन प्लस एक्स प्लस एक्स को और टू फेटोरियल गोज ऑन इट गोज अप टू इन्फिनिटी तो ये याद करना पड़ेगा ऐसे लॉग वन प्लस एक्स का है लॉग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन फॉमूला है साइन एक्स का एक्सपेंशन फॉमूला है कॉस एक्स का है टेन एक्स का है तो और भी हैं लेकिन इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है कम से कम इतने आप याद कर लो ये जो छः महीने एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज लिखे हैं इनको आप याद करो इनको यूज़ करके एक्स फॉर्मूलाज़ को हम लिमिट वर्कआउट कर सकते हैं कैसे वर्कआउट करते हैं मैंने सेम एग्ज़ाम्पल लिया इस लिमिट को कैसे वर्कआउट करूँगा उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको डिसाइड करना है कैन आई अप्लाई एक्सपेंशन टू वर्कआउट दिस यहाँ एक्सपेंशन यूज़ हो सकता है वो तभी यूज़ होगा जब हर पार्ट को आप एक्सपेंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ एक्स तो ये तो ऑलरेडी पावर ऑफ एक्स है राइट right? ये तो ऑलरेडी पावर ऑफ एक्स है Square, ये क्वान है। इसका एक्सपेंशन है हमारे पास अगर है एक्सपेंशन इसका हमारे पास, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो हर फंक्शन जो लिमिट में इन्वॉल्व है यू शुड बी एबल टू एक्सपेंड दैट इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एक्स को कर सकते हैं याद होना चाहिए पैटर्न ये ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है बस मैंने दो तीन टर्म लिखी है डिवाइडेड बाई एक्सक्वा मैंने ब्रैकेट ओपन किया न्यूमरेटर में वन से माइनस वन कैंसिल हो गया वन माइनस वन कैंसिल हो गए बचा उसके बाद एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल गोज ऑन इतना लिखने की जरूरत नहीं है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है और लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो ही रहा है आगे कोई एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है टू तो सेव टाइम टिव एग्जाम में इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ भी एक्सक्वायर है आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई कैन टेक एक्सक्र कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर आई टेक एक्सक्वामन फॉम डिनोम आई कैंसिल आउट आई कैंसिल दैम कॉमन लिया कैंसिल कर दिया राइट न्यूमरेटर में बचा वन बाई टू फेक्टोरियल बाकी बचा यहाँ एक्स टू द पावर फोर था एक्सक्वायर बाहर कॉमन चला गया बच गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल गोज ऑन डिनोमिनेटर मेरा एक्सक्वायर कैंसिल हो गया वन बचा तो देखो मैंने क्या किया न्यूमरेटर से कॉमन लिया डिनोमेटर में एक्सक्वे था कैंसिल हो गए ये बचा अब एक्सिक्यूट जीरो प्लग इन कर दो अब डिटेमिनेट फॉर्म नहीं बचे अब प्लग इन कर सकते हैं है X को जीरो प्लग इन करेंगे तो आंसर हाफ आ गया प्लग इन कर दिया एक्सिक्यूट आंसर हाफ आ गया तो तब तक आपने करना है वैल्युएट जब तक आपका

हमारे पार्ट फिर रिवाइज़ हो जाएगा कि कैसे इसको मैं एक्सपेंशन लगाता हूँ इसमें देखो वो तभी लगा सकता हूँ एक्सपेंशन साइन एक्स का है है एक्सपेंशन कॉस एक्स का एक्सपेंशन है है एक्सपेंशन एक्स तो एक्स की फॉर्म में तो लाना है एक्स तो ठीक है एक्स क्यू भी ठीक है तो जो भी फंक्शन है रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म्स ऑफ एक्स उनके एक्सपेंशन होने चाहिए तो साइनएक्स साइनएक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनक्स एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल दो टर्म बहुत हैं

यहां पे टर्म आएगी प्लस एक्स क्यूब बाय टू ये बाकी और टर्म भी चलती रहेंगे मैं मतलब नहीं है हमें हायर पावर्स की टर्म चलती रहेंगे एक्स तो ये, ये टर्म हाफ माइनस वन बास एक्स एक्स, एक्स क्यूब बाकी हायर पावर्स टर्म होंगी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें हमें जरूरत नहीं है हमने तो एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करना है टेक एक्सक्यूब कॉमन एंड कैंसिल फ्रॉम एन डी टेक एक्सक्यूब कॉमन एंड कैंसिल गेट जब एक्स क्यू कॉमन कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे ये एक्स बच जाएगा गोज ऑन तो ये मेरा बच गया ये बन गया वन बाय थ्री सिक्स थ्री माइनस वन टू वन बाय थ्री रह गए वन बाय थ्री प्लस सम कांस्टेंट इनटू एक्स सम कॉन्सटेंट इंटू एक्सपेयर गोज ऑन और लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो मेरा चल ही रहा है मैंने लिखा नहीं है टू सेव टाइम बट लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो निकालना है हमें ये सारी टर्म जीरो हो गई आंसर बचा वन बाय तो अगर आपको लग रहा है आपकी प्रैक्टिस नहीं थी एक्सपेंशन की इन दो क्वेश्चन की स्टोरी सुनने के बाद तो आप एक बार को रिवाइज़ कर लो ये काम आ जाएगा काम आ सकता है राइट तो ये हमारा थ्योरी थी लिमिट्स कैसे वर्कआउट करनी है तो मैं आपको अब दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आए हैं इसके ऊपर इस पे जो 2020 ट्वेंटी बिगनिंग में जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए ये आप देखोगे एट जनवरी को ये क्वेश्चन क्वेश्चन आया है मॉर्निंग एग्ज़ाम के अंदर जो लिमिट वर्कआउट करनी है हमें यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप देख लो एट जनवरी का क्वेश्चन है मॉर्निंग का ये ये देखो एट जनवरी का तो मुझे अब कैसे वर्कआउट करना है इसको वर्कआउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमें जीरो को प्लग इन करके देखते हैं यहाँ पे मैं जीरो प्लग इन करके देखता हूँ तो उससे समझ आएगा कि इंटरटमिनेट फॉर्म है वर्कआउट करना पड़ेगा ये आंसर आ गया फनाइट आ गया सीधा तो मैंने एक्स को ज़ीरो प्लग इन किया तो ये बन रहा है बेस में वन अप्रोच करता है और देखो ये जीरो ये ज़ीरो टू बाई टू वन और पावर में इन्फिनिटी है ये तो ऐसे कई क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे बेस वन को अप्रोच कर रहा है पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो यहां पे हम ये टेम्पलेट यूज करते हैं जीरो, राइट, वन प्लस, वन प्लस एफ, एक्स, यहां एफ एक्स हो सकता है ये तो ये हम टेम्पलेट हमारी टेम्प्रेट, पहले टेम्पलेट लिख देता हूं वन प्लस एक्स टू दर वन बाय एक्स इक्वल टू ई ये हम यूज करते हैं कि अगर ये जीरो अप्रोच कर रहा है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे देखो आप वन प्लस समथिंग इज देयर वन प्लस सम फंक्शन एफ एक्स इज देयर एंड वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ दैट इन द पावर रेसिप्रोकल ऑफ दैट इन द पावर इट विल बी सिंप्लीफाइड टू ई लिमिट वर्किंग लिमिट लिमिट वैल्युएशन ऑफ लिमिट इज ही द लिमिटिंग वैल्यू इज ही तो ये हमने टेम्परेट यूज़ करनी है वन प्लस समथिंग है और पावर में उसका रेसिप्रोकल है एफ एक्स का तो ई e बन जाएगा वो तो ये तभी यूज होगा क्योंकि जब बेस वन यहाँ पे ऑफकोर्स एफ एक्स अप्रोचेज जीरो है ये कब यूज होगा जब बेस अप्रोचिंग वन है और पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी है ध्यान रखना कई क्वेश्चन ऐसे किए होंगे आपने बेस अप्रोचिंग वन है पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी है जब भी ये वाली इंटरमीडिएट फॉर्म आएगी जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा बेस वन को अप्रोच कर रहा है पावर इन्फिनिटी को तो आपने यही टेम्पलेट यूज करनी है आपने यही रिजल्ट यूज करना है तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देखूँ क्या करना है मुझे यहाँ पे है थ्री एक्स स्क्वायर तो मुझे मुझे वन चाहिए चाहिए तो मैं आपको ये एक और तरीका बताता हूँ आपका टाइम बचेगा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा उसको नीचे ले आया आऊँ क्वेश्चन को कि आप ये रूल याद कर लो जब भी जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं उनमें बेस में एफ एक्स होता है और पावर में जी एक्स होता है ऐसे होगा हमेशा यहाँ कुछ भी हो वी डोंट केयर लिमिट एक्स अप्रोच इस समथिंग होगा सर से ए जब भी ऐसे है बेस अप्रोचिंग पावर अप्रोचिंग बेस एफ एक्स पावर अप्रोचिंग जी एक्स और ये मेरी ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करो अपने टेम्पलेट वन ऐड करोगे वन सेपरेट करोगे क्योंकि टेम्पलेट यूज़ करने के लिए वन तो होना चाहिए अभी आपने देखा क्या टेम्पलेट है ये टेम्पलेट है आपकी वन प्लस समथिंग सम सम फंक्शन वन प्लस एक्स है एक्स कैन बी सम फंक्शन ये टेम्पलेट यूज़ करनी है और एक्स की जगह कोई फंक्शन हो सकता है से जी एक्स से एच एक्स वन प्लस एच एक्स फंक्शन है और पावर में उसका रेसिप्रोकल है वन बाय एच एक्स है तो वो ई e हो जाएगा तो मैं वही कर रहा हूँ वही कोशिश कर रहा हूँ यूज़ करने की मैंने वन ऐड किया वन सब किया अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए मुझे पावर के अंदर तो मैंने था तो है तो नहीं मैंने बना दिया बट डिवाइड भी किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एफ एक्स माइनस वन मैंने इसका रेसिप्रोकल बना लिया एफ एक्स से डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी किया और जी पहले से था ये देखो आप तो थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि मैंने रिजल्ट बना रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे वन प्लस बनाना था तो मैंने वन ऐड किया वन सेपरेट किया ये जो एफ एक्स माइनस वन आया इसका ही बना ली क्योंकि मुझे टेम्पलेट ऐसी चाहिए थी देखो आप ये ऐसी टेम्पलेट चाहिए तो इसके बाद मेरे को क्या हुआ आप ध्यान से देखना ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है मेरा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ई बन गया यही टेम्पलेट है कि अगर वन के साथ कोई भी एक्सप्रेशन है और उसी का रेसिप्रोकल पावर में है कोई भी एक्सप्रेशन है उसी का रेसिप्रोकल पावर में है तो वो ई बन जाता है ये रिजल्ट है हमारा तो ई की पावर में एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स है ये बन के देखो आप तो ये ये आपने याद रखना है बहुत टाइम बचेगा आपका सीधा ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे बेस अप्रोचिंग वन है वन है पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी सीधा पहले स्टेप में उठा के ये लिख लो आप लिमिट एक्स अप्रोचेज है जो भी है तो आई रिपीट दैट जब भी ऐसा एक्सप्रेशन है बेस में फंक्शन है पावर में भी फंक्शन है और इंडिटर्मिनेट फॉर्म किस तरह की बन रही है जो एफ बेस में एफ एक्स है वो वन को अप्रोच कर रहा है पावर में जो जी एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है पहले स्टेप में सीधा उठा के ये लिख लो ई टू द पावर एफ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड विद जी एक्स तो लेट्स डू दिस इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पहला स्टेप ही मैंने ये लिखा ये तो समझने में टाइम लगा है एग्जाम में ये सब तो ना करेंगे समझा है हमने पहले स्टेप में लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ई की पावर में जो भी एफ एक्स है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन और साथ में मेरा वन बाई एक्स स्क्वायर है ये।, ये आ गया तो सीधा हमने स्टेप लिख लिया अब मैंने एल लिया डिनोमिनेटर में यहाँ एल लिया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर इज माइनस फोर एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया डिवाइड बाय सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू आया और यहाँ वन बाई एक्स स्क्वायर था एक्स सेवन बाय स्क्र से वन बाय स्क्र कैंसिल हो गया देखो आप क्या बचा अब लिमिट वर्कआउट हो गई एक्स अप्रोचे जीरो जीरो तो पार माइनस टू।, तो टू वन बाई स्क्वायर ये था ये अगर आपको टेम्पलेट पता थी तो ये क्वेश्चन था कहा तीस सेकेंड से ज्यादा लगेंगे करने के अंदर क्वेश्चन हुआ भी कॉन्फिडेंस भी आया और टाइम भी नहीं लगा वन बाई ये आ गया राइट right? तो ये हमने याद रखने से बहुत हमारा टाइम बचता है एटलीस्ट हमारा कम से कम मतलब एक मिनट बचा हमें याद कर रखा था ये सीधा मैंने क्या करना है अगर बेस एफ एक्स है पावर जी एक्स है इंडिटेमिनेट फॉर्म है अप्रोचिंग वन टू तो पावर इन्फिनी सीधा ये स्टेप लिखना है और फिर सिम्प्लीफाई करके आपने देखा सीधा लिमिट वर्कआउट हो गया अपने अभी तो अगला क्वेश्चन आया था ये सेवन्थ की मॉर्निंग में आया है जो बिल्कुल पहला पेपर था सेवन्थ उसकी मॉर्निंग में क्वेश्चन आया जो अभी मैंने दिखाया वी के मॉड्यूल का भी था तो वो सेम क्वेश्चन है तो कैसे वर्कआउट करेंगे थोड़ा इसमें एक बार को जब अप्रोच करें तो सोच लें इसको अगर आप मतलब फैक्ट्राइजेशन उस सबसे करने लग गए किसी और तरीके से मतलब इसको रैशनाइज फैक्टराइज वटेवर एट इसकी फैक्टराइज़ करके नो नो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है इसमें सीधा एल एच रू लगाएँगे पहले आप टू प्लग इन करके देख लो मतलब कर देखना देख लेना चाहिए टू प्लग इन किया तो नाइन है ये प्लस थ्री है माइनस जीरो बस इंडिटेमिनेट फॉर्म बननी चाहिए ना टू प्लग इन करके ये वन बाय थ्री है ये टूब ये, लगिंग ये करके वन एस वन बाय थ्री है ये अप्रोचिंग जीरो बाय अप्रोचिंग है लगा सकते हैं एल लगा एच लगा 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 लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझे अगर डेरिवेटिव लेना है टू द पावर एफ एक्स का ए टू दू द पावर सम ये है तो याद रखना है इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है ई टू द पावर राइट ए टू द पावर एफ एक्स है

दस फिक्स फिक्स मैं कैमरा तो यहाँ से अब मेरे को ये मैंने जब फॉर्मला लगाया है इसमें तो ये फॉर्मला लगाना है ये हर जगह फॉर्मला लगाना है देखो आप हर जगह यहाँ भी यहाँ भी सब जगह सारी जो e की टर्म से फॉर्मला लगाना है पहले थ्री डी दो पार एक्स का डेरिवेटिव थ्री डी दो पार एक्स लेटमी चेंज द कलर थ्री डी दो पार एक्स इन टू एल एन थ्री और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है

थ्री टू तो पार्ट टू नाइन आ गया यहाँ मैंने टू प्लग इन किया प्लस थ्री आया डिवाइडेड बाय यहां मैंने टू प्लग इन किया वन बाई थ्री आया बाई थ्री है ये माइनस है तो माइनस वन बाय सिक्स है यहां पे मैं अगर टू प्लग इन करूँगा तो वन बाय थ्री है माइनस भी है प्लस वन बाय थ्री है प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया अब मैं सिंपलीफाई करता हूँ एल एलसीएम लिया मैंने नीचे यहाँ पे सिक्स ये माइनस वन प्लस टू तो ये मेरा ट्वेल्व तो ये मेरा बन रहा है वन बाय सिक्स डिनोमिनेटर तो ये आ, एक मिनट कुछ आ, मिस्टेक तो नहीं हुई एक बार चेक कर रहा हूँ मैं ये मेरा माइनस सिक्स थ्री मैंने गलत ले लिया तभी आंसर नहीं मैच कर रहा आंसर थर्टी सिक्स आता है इसका तो ये मेरा माइनस टू ये हाफ़ है ये है तो एलसीएम मेरा इस बार तभी एलसीएम सिक्स आया तो ये मेरा माइनस थ्री हो गया ये मेरा थोड़ा चेंज हो गया इस बार तो ये माइनस थ्री प्लस टू uh, एक मिनट यहाँ भी मैंने गलत किया ये नहीं इसको को टू रिप्लेस करेंगे तो माइनस वन बाय थ्री आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे मैंने एक्स को टू रिप्लेस किया एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ किया मैंने एक्स को टू रिप्लेस किया तो वन बाय थ्री आया राइट और ये माइनस वन बाय थ्री और माइनस वन बाय सिक्स ये ठीक था पहले वैसे और यहाँ पे टू uh, रिप्लेस करेंगे तो वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री वन बाय सिक्स आ रहा है ये तो ट्वेल्व इंटू सिक्स ही बन रहा है सेवेंटी टू तो एक बार न्यूमरेटर में देख लें गड़बड़ तो नहीं करी uh, मैंने एक बार क्विकली चेक करा इसमें मैंने टू रिप्लेस किया नाइन टू रिप्लेस किया थ्री माइनस थ्री था बीच में माइनस मिस कर दिया था मैंने तभी आंसर नहीं आ रहा था देखो सिक्स था ये थर्टी सिक्स आ गया क्योंकि सा थर्टी सिक्स आता है ये गलती हो रही थी तो एक मैंने यहाँ से आपको एडवाइज़ दूंगा कि कई बार आप जल्दी करते हैं ऐसे मैं काफ़ी जल्दी करता हूँ क्वेश्चन तो मेरी मिस्टेक होती हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा कोशिश करनी है दो इट्स नॉट ईजी टू गेट इट ऑफ ए कैलकुलेशन मिस्टेक्स लेकिन थोड़ा सा आप अवेयर रह सकते हैं जैसे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा कंसनट्रेशन मुझे ध्यान से करना है मिस्टेक नहीं करनी है होता है क्या है कि आप एक तो आइडिया सोचने में इतनी अनर्जी लगाते थे हैं कि एक और ध्यान रखना मिस्टेक ना करना थोड़ा मुश्किल होता है मान रहा हूँ मुश्किल होता है लेकिन थोड़ा सा कि पता है कोई आइडिया आता है कि कंसन्ट्रेशन थोड़ी बढ़ानी है मुझे ये ध्यान से करना है मुझे मिस्टेक नहीं करनी है अगर इसकी आदत पड़ जाएगी आपको तो आपकी मिस्टेक फिफ्टी परसेंट वैसे कम हो जाएंगी

और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई भी जैसे आप कह रहे हैं कि इसके अगर ग्रेटर इंटीजर ऑफ़ टू एक्स है वट इज़ द वैल्यू ऑफ़ दिस कि इसके अगर आपने पीसेस बनाने फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो टू वन में क्या होगा एक्स अगर ज़ीरो टू वन में है तो टू एक्स इसके बीच में होगा ज़ीरो से लेके टू के बीच में होगा ज़ीरो से एक्स अगर ज़ीरो टू ऐसे समझो एक्स को जीरो टू हाफ के बीच में है तो ये आपको केसेस करने आने चाहिए कि x अगर इसको ब्रेक करना आना चाहिए इंटरवल्स में स्प्लिट करना आना चाहिए x अगर जीरो टू हाफ के बीच में है अगर टू एक्स किसके बीच में होगा टू एक्स जीरो से वन के बीच में होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका जीरो हो गया कि कोई भी वैल्यू जो जीरो टू वन के बीच में लाई कर रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इंटीजर टूवर्ड्स लेफ्ट इंटीजर यू नो मैप्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर लेस देन इक्वल टू जो पीछे वाला जो इंटीजर है पीछे मैप कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉन्सेप्ट आते ही आपको टू पॉइंट फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर टू हो जाएगा तो ऐसे ही अगर एक्स हाफ और वन के बीच में है 2x मेरा वन और टू के बीच में है ग्रिटेस इंटीजर क्या होगा इंटीजर बिहाइंड वन हो गया ऐसे तो ये करना आना चाहिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये चीज़ आपको रिवाइज करनी है कि कैसे गिटेस इंटीजर फंक्शन को स्प्लिट करना है आपने या उसका ग्राफ क्या होता है ये चीज़ें आपने याद रखनी है तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन में भी एक लर्निंग है शायद पहले किया दो चीज़ें एक तो लिमिट वर्कआउट करके ए निकालना है आपने और साथ में इसका बताना है डिस्कॉन्टिन्यूटी कि इज डिस्कटिन्यूस वन एक्स इज इक्वल टू किस पॉइंट पे डिटिन्यूस है तो ये चॉइसेस तो आ जाएंगी अगर आप ए निकाल लो ए निकालने के लिए भी ये क्वेश्चन देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप यहाँ इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे क्योंकि जब भी एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है ग्रेटर सेंटेजर के अंदर एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसे वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल है कि एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि आपको आ, कि आपको पता है ये कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये फंक्शन है ये रिलेशनशिप है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में क्या होता है एक्स में से इंटीजर पार्ट माइनस कर दो एक्स का एक्स में से इंटीगल पार्ट ऑफ एक्स माइनस कर दो तो फ्रैक्शन बच जाएगा दस वॉ वी डिफाइन फ्रैक्शनल फंक्शन तो अगेन आपने फंक्शन में पढ़ा होगा ये तो ये इस केस में हम क्या लिखते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो क्या आता है इसको इधर लिया इसको इधर कर दिया एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो हमें ये लिखना ही पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में इसको मैंने लिखा एक्स टाइम्स ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसको लिखा मैंने ब्रैकेट uh, है फोर बाय एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फोर बाय एक्स यूजिंग दिस रिजल्ट यूजिंग दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे लिखा है एक्सप्रेशन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये लिखना है ये इसका स्टेप होता ही है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स डिनोमिनेटर में आता है या कई बार हम ऐसे करते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन है अगर आपने ऐसे देखा ग्रेटर सिंडेजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री एक्स गोज ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स ऐसा क्वेश्चन है करा होगा कभी आपने तो उसमें हम यही करते हैं समथिंग नीचे एन स्क्वायर है कुछ एन ही एन स्क्वायर है तो हम सबको एक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देते हैं इसमें से ऐसे अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया एक पार्ट फोर बन रहा है एक बन रहा है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फोर बाई एक्स अब कहना बड़ा आसान है इसमें कि ये पार्ट जीरो प्रो ये जीरो है ये फोर है आंसर फोर आ गया Yes, ये लिमिट वर्कआउट किया हमने हाउ कैन वी से इट इज जीरो तो समझ आ गया कि एक्स एक्स कैंसिल हुआ फोर हो गया ये जीरो कैसे होगा ये देखो आप ये तो मेरा एक फ्रैक्शन है जो कि जीरो और वन के बीच में लाई करती है वैल्यू अगर एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है अगर एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है ये जीरो अप्रोच कर, कर रहा है ये नंबर होगा जो मेरा जीरो और वन के बीच में होगा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो जीरो ही आएगा ना एक नंबर जीरो से वन के बीच में है और एक एक पार्ट जीरो अप्रोच कर रहा है तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो अप्रोच करेगी जीरो गया तो ये हमारा की था इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ऐसे कोई रूल नहीं है हर क्वेश्चन में उठा के ऐसे कर देंगे ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्स एंड डिनोमीटर में आ रहा है तो हमें लेफ्ट और राइट देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्स डिनोमीटर में आ रहा है इसलिए हमने ऐसा किया इस क्वेश्चन में तो भी अभी आधा क्वेश्चन हुआ है पूरा नहीं हुआ अभी हमारा ए आ गया है ए आ गया तो अब अब दूसरा भी इसमें अब देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसे मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये तो इसमें अब अगर हम आगे जगह बना ली मैंने अब मेरी चॉइसेस हैं क्या अगर आप ध्यान से देखेंगे चॉइसेस ए अगर मेरा फोर है तो ये थ्री बन रहा है मेरी सेकेंड चॉइस टू है रूट ऑफ फोर इज़ टू ये फाइव है थर्ड चॉइस और मेरी जो फोर्थ चॉइस है रूट uh, फाइव है तो अगर आप थोड़ा सा इस फंक्शन को ध्यान देंगे तो सीधा आप कैंसर कह देंगे ये फंक्शन इज डिस्किन्यूस है रूट फाइव क्यों क्योंकि जो एफ एक्स फंक्शन है वो ऐसे है उसमें ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स स्क्र आ रहा है और साइन पाई एक्स है ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है राइट right? तो ये हर जगह कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ये देखेंगे ये मेरा डिस्कॉन्टिन्यू ये स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये कहाँ पर इसके डिस्कॉन्टीन्यूटीज क्या है जहाँ पे स्क्वायर इंटीजर के इक्वल है हाँ डिस्कॉन्टीन्यूटी है जहाँ पे एक्स रूट ऑफ इंटीजर है तो जब भी जब भी आपको देखना है कि कहाँ पे इसमें ब्रेक आ रहा है कहाँ भी रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफेक्ट्स में ब्रेक है जहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ब्रेक है, है जहाँ भी डिस्कॉन्टीन्यूटी ब्रेक जहाँ भी तो एफ एक्स को इंटीजर के इक्वल कर देते हैं ये रूल याद रखना जहाँ भी ये एफ एक्स फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर उसको इंटीजर कर देते हैं तो सारे पॉइंट्स आ रहते हैं जहाँ पे डिस्कॉन्टीन्यूटीज है ब्रेक है डेफिनेशन चेंज है तो मैंने इंटीजर तो यहाँ एक्सक्वेर को इंटीजर कर दिया एक्स रूट ऑफ इंटीजर है मतलब क्या हो गया एक्स रूट ऑफ वन इंटीजर क्या हो सकता है वन हो सकता है इंटीजर रूट ऑफ टू रूट ऑफ़ थ्री रूट ऑफ फोर रूट ऑफ़ फाइव ये सारे के सारे डिसकॉन्टीन्यूटीज के पॉइंट्स हैं रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ सेवन गोज ऑन अब आप इसमें अगर आप देखेंगे रूट ऑफ एस गोज ऑन रूट ऑफ़ ट्वेंटी फाइव बी है विच इज़ फाइव तो इसमें अब क्या फिगर आपने देखना है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आगे काम आएगी आपको कि जैसे ये पता है कि जो अगर मैं पहले एग्जाम्पल आपको फोर का ले लेता हूँ रूट ऑफ फोर टू लेता हूँ अब टू के ऊपर देखते हैं मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट टू पे और राइट हैंड लिमिट टू में देखता हूँ और यहाँ मेरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेफ्ट से अप्रोच करेंगे इसको और टू के राइट right से अप्रोच करेंगे तो दोनों दोनों दु, में फर्क हो गया ये कि अगर आप वैल्यू ले रहे हैं ऐसे तो ये आएगा और ये, 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 ये आ जाएगा ये अगर आप लेफ्ट से आ रहे हैं तो ये थ्री बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर राइट

तो ये अब मैं अगर यहां देख रहा हूं ये मेरा लेफ्ट से आ रहे हैं तो ये थ्री थ्री को अप्रोच कर रहा है या थ्री है ये ये थ्री है और ये अप्रोचिंग जीरो है आंसर थ्री हो गया आंसर सॉरी आंसर जीरो हो गया क्योंकि पार्ट जीरो था अब यहां टू प्लस से आता हूं तो ये फोर है मेरा और ये मेरा अप्रोचिंग जीरो है अब ये दोनों डिस्कॉन्टेन फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर लेफ्ट एंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट एंड लिमिट लेकिन दोनों जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों लेफ्ट एंड लिमिट राइट लिमिट सेम हो जाती है हमेशा ध्यान रखना एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और दूसरा पार्ट जीरो बहुत कर रहा है कॉन्टिनियस है और जीरो है कॉन्टिन्यूस है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा बट अदरवाइज हम कहते हैं एक फंक्शन डिस्कॉन्टीन्यूस है दूसरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और वो जो जीरो नहीं है उसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब उसकी तो वो हम जो उसकी वैल्यू जीरो नहीं है कॉन्टीन्यूस है लेकिन वैल्यू जीरो नहीं है

ज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज ए है तो अगर ए के पास ये जीरो नहीं बनना चाहिए जैसे ये देखा आपने ये दोनों अन एकवल थे थ्री और फोर लेकिन जीरो होने की वजह सेफ्ट से, लिमि, लिमिट इक्वल राइट लिमिट होगी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो वही चीज हम ऊपर जाके देखेंगे कि इन सब पॉइंट्स में मुझे समझ आ गया आपकी अगर मैं ए को फोर रिप्लेस करता हूँ ये थ्री है थ्री पे तो ये जो साइन थ्री एक्स है साइन थ्री पे कॉन्टिन्यूस है जीरो आइए थ्री साइन ये ये सेकंड पार्ट में अगर मैं उसको ऐसे लिख लू एफ इन टू जी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये ये थ्री के ऊपर ये जीएस जीरो है तो एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस होगा तभी फर्क नहीं पड़ता एफ एक्स डिस्किन्यूस है लेकिन इसके डिस्कॉन्टिन्यूटी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जीरो है तो यहां फंक का प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा यहाँ कॉन्टिन्यूस है सेम वे टू पे कॉन्टिन्यूस है सेम वे पे कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये वाला फंक्शन जीएस जीरो है फाइव पे तो ये रूट फाइव पर प्रॉब्लम है रूट फाइव पे एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिस्कॉन्टिन्यूस है लेकिन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो जीरो नहीं है बिकॉज साइन रूट फाइव पाई इज नॉट जीरो राइट अगर यहाँ फाइव में रूट फाइव रिप्लेस करता हूँ साइन रूट फाइव पाई इज नॉट इक्वल टू जीरो बाकी सब वैल्यूज पे ये जीरो है तो जीरो होने की वजह से उनका प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया है क्योंकि उनमें से कॉन्टिन्यूस फंक्शन जीरो था इसलिए राइट right, तो ये, <coughs> थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन ये जो रूल्स थे अगर पहले आपने याद किए अगर आपको सोचो ये पहले पता होता तो आप कहते हैं वहाँ से वैल्यू फोर निकालते अब फोर पे सारी चॉइसेस देखते मेरी तरह और फिर देखते हैं साइन पाई और थ्री पे जीरो है साइन थ्री पाई जीरो साइन टू पाई जीरो साइन फाइव पाई जीरो साइन रूट फाइव पाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो ये यहाँ पे सीधा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन तो टाइम नहीं लगता अगर आपने पे चीज़ों को इस तरह से पढ़ा हुआ है तो so ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि इसमें लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है तो नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करेंगे लिमिट्स है इसमें आई एग्री बट लेकिन बिकॉज मिनिमम इज इन्वॉल्व्ड सो सो आई विल नॉट कवर दिस क्वेश्चन हेयर तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में ये चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं अभी आज आपको क्योंकि बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं डज मेक सेंस बट इफ यू थिंक यू नीड टू रिविजन इन दिस यू शू डेफिनेटली डू इट एक क्या करना है कि डेरीवेटिव के फॉर्मूला याद करने है. हैं, हैं साइन का डेरीवेटिव कॉस कॉस का माइनस साइन लॉ का वन बाय एक्स वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के डेरीवेटिव का फॉर्मला कॉस इनवर्स के डेरीवेटिव फार्मूला लॉक का डेरीवेटिव का फॉर्मूला इट दर एक्स के डेरीवेटिव का फॉर्मूला जो आपको पता है कि बेसिक सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं आपके टेन का डेरीवेटिव सेकेंड स्क्वायर कॉट का डेरिवेटिव माइनस को, को सेकेंड स्क्वायर तो जो भी फॉर्म हैं सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेन एक्स तो बिल्कुल अच्छी तरह से 40 पचास फॉर्मले जो हैं भी हमारे हैं वो याद होने चाहिए फिर आपको ये आता ही होगा हाउ टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल हाउ टू अप्लाई क्वेश्चन रूल हाउ टू अप्लाई चेन रूल अगर लग तो 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 रहा है आपको जरूरत है तो रिवाइज कर लेना डेरीवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया जैसे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो इसको डिफ्रेंशिएट करना है और वाई का मिक्स फंक्शन है उसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है वाई का इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं डिफ्रेंशिएट इन इम्प्लिसिट फंक्शन तो उसमें कुछ नहीं है एक्स का डेरिवेटिव हमने प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इसमें मतलब उसमें आपको वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख सकते आप क्योंकि वो इम्प्लिसिट है मिक्सड है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं है वाई की इम्प्लिसिट है मिक्सड है एक्स के साथ तो सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स का डेरिवेटिव वन टेकिंग वाई कॉन्सटेंट फिर हमने फिर हमने प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं फिर हमने एक्स को कॉन्सेंट रखा वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स टेकिंग वाई स्क्वायेयर कॉन्टेंट फिर एक्स स्क्वायेर कॉन्सटेंट वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव वाई स्क्वेयेर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टू वाई इंटू वाई डैश कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ऐसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसको राइट वाई एक साइड पर नहीं है वाई एक्स और वाई मिक्सड है तो प्रॉब्लम नहीं है बस डिफ्रेंशिएट करते जाओ एक्स जहाँ भी वाई का डेरीवेटिव आता है हमें डी वाई बाई डी एक्स लेना है राइट right? जैसे यहाँ पे x को कॉन्टेंट रख x का डेरिवेटिव वन लिया हमने फिर हमने x को कॉन्सेंट रख के y को डिफ्रेंशिएट करना है जहां भी y को डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो वहां पे आप उसको डी वाई बाई डी बोल दोगे सेम हेर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लिया टू एक्स इसे कॉन्सेंट रखना है प्रोडक्ट रूल है फिर एक्सक्वायेयर कॉन्सटेंट रखा है वाई स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करना है उसका डेरिवेटिव वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है कि मुझे डी बाई डी एक्स और वाई स्क्वेयर करना है तो पहले मैंने टू वाई कर दिया तब तो अभी तो मैंने वाई की टू वाई डिफ्रेंशिएट किया है तो मुझे वाई डैश से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो ये चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल समझ आ गया अच्छी तरह से ऑब्वियस था तो फिर ठीक है रिविजन की जरूरत नहीं है लेकिन आपको लगा ये बड़ा मतलब इस तरह से तो हमने पढ़ा नहीं है कुछ भी ऐसे तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अभी पढ़ाऊंगा तो मैं आधा घंटा लग जाएगा फिर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉमलेस भी काम आते हैं इस टॉपिक में वो सारे याद होने चाहिए राइट right? सम into product प्रोडक्ट product प्रोडक्ट sum सम half हाफ एंगल फार्मूला जो बाकी मतलब तीस चालीस फॉर्मूलेट रिगोनोमेट्रिक है वो भी आने चाहिए एग्जाम से पहले रिविजन होनी चाहिए उनकी फिर डेरीवेटिव ऑफ अ पारामेट्रिक फॉर्म है ये आना चाहिए करना क्योंकि मैं कहता हूँ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी है वाई इन टर्म्स ऑफ टी है एक्स इन टर्म्स ऑफ टी है हाउ टू डिफ्रेंशिएट दिस हाउ टू डिफरेंशिएट दिस हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हम चेन रूल से कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स की बजाय हम कहेंगे डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी मैंने डी, -डी से डिवाइड कर दिया दोनों को डीवाई को भी और डीएक्स को भी कर सकते हैं ऐसे। अब मैं ये निकाल सकता हूँ क्योंकि वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी था ये आगे एफ डैश टी और मुझे ये चाहिए तो ये आगे मेरा जी डैश टी तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कैसे डीवाई बाई डी, डी निकालना है अगर एक्स और वाई दोनों फंक्शन ऑफ एक्स की बन है हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव जब दोनों एक्स और वाई टी की फॉर्म में एक्सप्रेस है ऐसे निकालते हैं चैलेंजिंग होगा अभी क्वेश्चन भी ऐसे है इस साल 2020 में अभी करता हूँ मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डीएक्स निकालना है डी बाई बाई का सेकेंड डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो इसमें हम क्या करते हैं चेन रूली लगाते हैं हम कहते हैं ये तो फंक्शन ऑफ टी है करना मुझे ये है डी बाई डी एक्स लेना है इसका मुझे किसका एफ डैश टी का और जी डैश टी का ये करना है मुझे लेकिन ये टी का फंक्शन है मुझे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो रूल कहता है ये करो अभी करेंगे भी एक क्वेश्चन में तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये मैं मैंने इसको डी को ऊपर रहने दिया डी ऑफ एफ डैश टी ओवर जी डैश टी ये मैं डीएक्स को नीचे ले गया यहाँ पे फिर मैंने डीटी से यहाँ डिवाइड भी करा और डी से मल्टीप्लाई भी किया ऐसे कर लिया और डी को मैं यहाँ इसके साथ ले गया हूँ तो मेरा ये हो गया डी बाई डी टी ले लिया याद ही रखना एग्जाम में सोचना है, ये कर लिया मैंने क्योंकि मेरा फंक्शन ऑफ टी था ये Because ये है, ये बिकॉज फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ है है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे डेरिव डी टी चाहिए यहां डी टी लाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ा है डीएक्स बाई डी टी करना पड़ा है ये देखो आप चेन रूल है तो ऐसे देख लो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया डी बाई डीएक्स है ऐसे देख लो तो डी बाई डीएक्स ही था ओरिजिनली ये डी बाई डी एक्स ही था तो मैंने यही किया डी टी से मल्टीप्लाई किया डी टी से डिवाइड किया ये किया है ये इस ये अलग कर एक ले लिया ये अलग ले लिया ये किया मैंने चेन रूल भी कहते हैं इसको ये करा है मैंने तो ये याद करना याद कर सकते हो लेकिन ये प्रोसेस भी याद कर सकते हो कि आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव लेना है पहला डेरिवेटिव तो ले ही लिया था आपने एफ डैश टी ओ जी डैश टी इसके साथ मुझे ये भी करना है dx एक्स पर ये भी चाहिए तब आंसर आएगा ये चीज़ है इसको भी याद रखो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में आया है ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर मैं क्वेश्चन करता हूँ वाला तो ये क्वेश्चन थे साले पहले उस पर जंप कर लेते हैं जिसमें ये वाला भी रिजल्ट यूज हुआ है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन था से पांच क्वेश्चन आए थे जो तो डेरिवेटिव वाले ये क्वेश्चन था जिसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है जो भी मैंने मैंशन किया है करना इसमें ये फंक्शन है एक्स एज अ इन टर्म्स ऑफ थीटा वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है मुझे सेकेंड डेरीवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट थीटा टू पाई तो पहला स्टेप यही है मुझे डी वाई बाय चाहिए तो मैंने कहा चेन क्योंकि फंक्शन ऑफ t थीटा के फॉर्म में दोनों तो मैंने डी वाई बाई डी डी थीटा किया और डीएक्स बाई डी थीटा किया ये किया डी वाई बाई इसको भी डी थीटा से डिवाइड कर दिया इसको भी डी थीटा से डिवाइड कर दिया ये कर दिया ये करने के बाद मेरा जो डी वाई बाय डीएक्स है वो आ जाएगा मुझे फॉर्मूला लगाना है वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इसका डेरेवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा फॉर्मला याद होना चाहिए कॉस थीटा का डेरेवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा सो माइनस टू साइन थीटा इसका डेरेवेटिव लेना है तो कॉस का डेरेवेटिव क्या होता है माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टू थीटा लेकिन टू से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल है यहाँ टू थीटा तो टू से मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पर अब मुझे करना है डी एक्स पर डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करना थीटा से टू साइन थीटा का डेरेवेटिव टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा ये डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा का डेरिवेटिव टू कॉस टू थीटा टू कॉमन लेके कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर में बचा साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा अब ये देखो यहाँ फॉर्मूले लगाने हैं इसमें इजी नहीं है वाला क्वेश्चन पेपर आपने रिलाइज करा होगा आपने दिया था पेपर जो अगर आप 2020 में है तो कुछ लोग 2021 के भी हो सकता है वेबिनार देख रहे हो इन्हें टॉपिक पढ़ लिया है उन्होंने कैलकुलस लेकिन अगर आपने 2020 में पेपर दिया है जनवरी का पेपर आपने दिया था तो आपने रियलाइज़ किया होगा अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके गए थे आप जनवरी में ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था जो कि थोड़ा आइडिया लग भी रहा था क्योंकि आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन फ्राम लाइक लास्ट ईयर अप टू अप टू लास्ट ईयर देर यूज टू बी थर्टी क्वेश्चन इन द मेन्स एग्जाम लेकिन इस बार उन्होंने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कर दिए थे तो लग रहा था कि इसलिए ट्वेंटी फाइव हैं और इंटीजर टाइप क्वेश्चन डाल दिए थे तो पेपर का लेवल शायद सेम रखा हो क्योंकि इंटीजर टाइप डाले हैं इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए हैं लेकिन लेवल मैथ कम है पक्का है आपने फील शायद ना किया हो क्योंकि आपने तो खाली ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम दिया है हम लोग तो सारे पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर डिफिकल्ट था इस बार जो गैप था एडवांस और मेंस में धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो कहाँ गैप अभी भी है लेकिन कम हो रहा है गैप थोड़ा तो टफ पेपर था स्कोरिंग टफ थी लेकिन डोंट नीड टू वरी लो स्कोरिंग जाएगा मैंने साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा फॉर्मला लगाया साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला याद नहीं रहता है ये एग्जाम से पहले याद करके जाना है अपने फॉर्मुला एक दिन दो दिन तीन दिन पहले सारे फॉर्मुला याद करने रहे के फॉर्मूला लगाया मैंने तो फॉर्मूला आ गया टू कॉस कॉस आता है पहले इसमें सम ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाई टू समल थ्री थीटा डिवाइडेड बाय टू साइन डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स डिवाइडेड बाय टू साइन थीटा बाई टू डिडेड बाय सेम यहाँ पे मैंने कॉस का फॉर्मुला लगाना है इसमें दोनों तरफ साइन आता है

ये करना है लेकिन ये फंक्शन थीटा का है मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकता हूं तो मैं क्या करूंगा यहां कर लूंगा डीएक्स बाई डी थीटा और यहां थीटा कर दूंगा तो मैंने वही करा डीएक्स को नीचे ला रहा हूँ डी थीटा से दोनों को डिवाइड कर दिया बात वही है अभी भी देखो डीए कैंसिल होगा तो डी बाई डी एक्स ही है ये मुझे अपनी तरफ से लाना पड़ा है तो न्यूमरेटर तो हो गया इसका डायरेव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू इंटू थ्री बाय टू डिड बाय dx पर डी थीटा निकालना पड़ेगा मुझे मैंने पहले किया था अगर ध्यान से देखो dx पर डी थीटा मैंने नीचे डिनोमीटर में किया था डी एक्स पर डी थीटा ये था टू कॉस थीटाइनस टू कॉस टू थीटा टू कॉस्टीटा माइनस कॉस्टू थीटा ये करना है मुझे अब मुझे रिप्लेस करना है थीटा इक्वल टू पाई इसमें आंसर निकालने के थीटा को पाई रिप्लेस कर दिया तो रिप्लाई करेंगे कर देना रिप्लेस आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू तो पाई करेंगे रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आंसर माइनस थ्री बाई एट आता है इसमें ये आंसर आता है तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला इसमें क्वेश्चन में ये इजी क्वेश्चन था स्कोरिंग क्वेश्चन था मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है देखो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सीधा डिफरेंशिएट कर दिया एक्स टू द पार के का डेरिवेटिव के टाइम्स एक्स टू द पार के माइनस वन प्लस वाई टू द पार के का डेरिवेटिव जो मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिड फंक्शन वो ये देखो आप वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से नहीं आएगा वो करना भी नहीं है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सीधा डिफरेंशिएट करना है के टाइम्स वाई टू दाइनस वन अब वाई विध रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया है यह फॉर्मूला वाई का लगाया आपने वाई टू दाइनस वन साथ में वाई डैश भी आएगा इक्वल टू जीरो कौन सा डेरीवेटिव जीरो तो यहाँ से मेरा ये वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स ये है राइट के तो यहाँ से ये यह के तो कैंसिल हो गया डिवाइड कर दिया जीरो था यहाँ पे ये यह आ गया इक्वल टू माइनस एक्स टू दर k माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई टू द पार के माइनस वन अब देखो ये हमें गिवन है कंपेयर करना है यहां पे ये क्या है ये x बाय वाई एस साइड पे ये y बाय एक्स है तो मैंने इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें रेसिप्रोकल कर दिया y को ऊपर ले आया पावर 1 माइनस के हो जाएगी x को नीचे ले गया पावर k माइनस वन से 1 माइनस के हो जाएगी ये dy वाई बाई है और मैं सब कुछ इधर ले आऊं जरूरत नहीं लिखने की समझा रहा हूं इसलिए लिखना पड़ रहा है मेरे को dy बाई डी एक्स प्लस, प्लस ई टू द दन माइनस के ओवर एक्स टू द इस पूरे को ऐसे लिख लो आप कंबाइन करके टू टू द माइनस इक्वल यही मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसी को आइडेंटिफाई करना है इससे देखो आप इससे आइडेंटिफाई करना है इसी को इसको आइडेंटिफाई करना है इससे तो आप दोनों को कंपेयर करके देखो आप इसका मतलब क्या है वन बाय थ्री होना चाहिए इसको उधर इसको उधर लाके वन माइनस वन बाय थ्री इक्वल टू के one one k होना चाहिए के टू बाय थ्री होना चाहिए तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में नंबर नहीं लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी बता रहा हूं ये तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन था इसमें तो नंबर लेना बनता था एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपने ये अगर आपको तो लग रहा है ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको और रिविजन चाहिए तो करो लेकिन छोड़ना नहीं है अब ये क्वेश्चन देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिया और एकदम चेप दिया आंसर ऐसा नहीं है एग्जाम में जब पैनिक होते हैं घबराए होते हैं एंगजाइटी होती है तो ऐसी चीज़ें भी गलत कर देते हो आप नहीं कर पाते ऐसी चीज़ें इसमें क्या ट्रिक है इसमें डेरीवेटिव लेना है पक्का है फाइबर सिक्स रिप्लेस करना है अल्फा को नो प्रॉब्लम लेकिन डेरीवेटिव लेने के लिए जो ये देखो ये इसको उठा के आपने डिफ्रेंशिएट करना शुरू करा तो फाल बुरा हो जाएगा बेकार में पेजेस भरते रहोगे नहीं होगा तो रूल पहले है कि नजर मार के देख लेंगे सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा ये कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा है ये डेरिवेटिव वाई एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रही है मुझे ये सब जगह या तो अल्फ़ा होगा या एक्स होगा तो ये हर जगह एक्स ये वाई इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा है अल्फा की रेंज ये है ये डी बाई ये है फिर अल्फा यहाँ था साक्स है अल्फा है तो हर जगह अल्फा ही लिखा है सब जगह एक्स को ना चाहिए सब जगह अल्फा होना चाहिए मिस प्रिंटिंग होगी टाइप कराए थे हमने पेपर दोबारा ये तो यहाँ सिंप्लीफाई करना है इसको ये बहुत जरूरी है इसको सिम्प्लीफाई करना तब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अदरवाइज करेंगे तो बहुत मुश्किल है सिंप्लीफाई हो रहा है एक्चुअली देखो कितना सिम्प्लीफाई हो रहा है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये टू है मैंने इसको लिखा यहाँ पे टेन अल्फा प्लस क्वार्टअ अल्फा है साइन कई बार किया होगा आपने साइन अल्फा बै कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाइन अल्फा और नीचे है सेकेंड स्क्वायर अल्फा और न बाय साइंस स्क्र अल्फा तो जो एक एक थोड़ा दो तीन स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम स्क्र अल्फा हो जाएगा ये कॉस स्वयर अल्फा है तो मेरा आ जाएगा रूट के अंदर टाइम्स में आ गया स्क्र अल्फा प्लस अल्फा जो कि वन हो गया और डिनोमिनेटर में मेरा अल्फा पहले से था आया कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस वन बाय साइंस स्क्र अल्फा जितना सिंप्लीफाई होने वाला है अभी आपको इमेजिंग भी नहीं होगा बिलीव भी नहीं कर सकते इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा ये तो क्वेश्चन इजी नहीं था ये मैं बोलूंगा ये ये वन हो गया न्यूमरेटर यहाँ पे एक कॉस और सैक मिल गया वन हो, तो हो गया एक अल्फा बच गया है यहाँ पे एक साइन अल्फा बचा है तो ऐसे समझो कि मैंने सेक को नीचे जाके कॉस्ट लिख दिया ये बचा है यहाँ पे और ये मेरा वन बाय साइन अभी भी फीलिंग नहीं आ रही होगी कि सिंप्लीफाई होगा अब अगले स्टेप में देखना है, ये सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है कमाल तरीके से हो रहा है ये टू था यहाँ पे नीचे टेन अल्फा है ये राइट तो मैं इसको ऊपर जाके क्वार्टल्फा लिख रहा हूं ये टू क्वार्टल्फा है और ये जो वन बायर है, है।, है ये 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 है है अब शायद शुरू होगी कैसे हो रहा टू क्वार्टल्फा और ये है यह हैल्फा ये देखो आप कमाल का सिंप्लीफाई हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन गया वन प्लस क्वार्टल्फा का रूट ऑफ वन प्लस अल्फा का परफेक्ट स्क्वेयर बनाए अब यहां गलती मत कर देना ये बनता है मॉड ऑफ वन प्लस अल्फा ये बनेगा जब भी ये रूल अगर नहीं सुना है तो आपने देख लो एक बार जब भी एक्स पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये एक्स नहीं होगा नॉट इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स जब भी स्क्वायर रूट के साइन को परफेक्ट स्क्वायर से कैंसिल करते हैं आपको मॉड लगाना पड़ेगा रिमेंबर दिस और आई वुड बी सरप्राइज कि आपने पहली बार नहीं देखा ये कई क्वेश्चंस में आया होगा थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है ये व्हेन यू 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 डू सॉल्विंग नीड टू यूज दिस कि कैंसिल स्क्वायर रूट विद परफेक्ट स्क्वायर यू नीड टू पुट मॉड साइन या मॉड आना था आपने देखा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मेन्स में आते थे पहले अब ऐसे आने लग गए इसमें टाइम लग रहा है ऐसे करने का मतलब एक दो क्वेश्चन है तो समझ आता है ऐसे कई सारे क्वेश्चन है इसमें टाइम लग रहा था तो ये हमने सिंपलीफाई करके यहाँ ले आए हैं विद रिस्पेक्ट टू अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन गया मेरा ये मेरा अभी तक मैंने कुछ नहीं किया फंक्शन को यहाँ लेके आया मॉड ऑफ वन प्लस अल्फा इसमें रेंज देखी मैंने अल्फा की रेंज क्या है यहाँ पे मेरी अल्फा है थ्री पाई बाई फोर टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है अब दो तरीके ऐसे करने के या तो पहले से ही मॉड हटा दू देखिए अल्फा की रेंज क्या है अल्फा का ये ग्राफ होता है दोनों तरीके बताया तो मैं आपको लर्निंग है इसमें ये ये थ्री पाए फोर है थ्री पाव फोर से पाई तक के बीच में तो आप देखो ये वन होता है थ्री पाई माइनस वन है तो अल्फा लेस देन माइनस वन है इस रेंज में वन ऐड कर दो वन प्लस अल्फा लेस देन जीरो है नेगेटिव है वन प्लस क्वाट अल्फा और मॉड का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है अगर क्वान्टिटीन साइड नेगेटिव है तो मुझे माइनस लगाना पड़ता है तो वाई हो गया माइनस और वन प्लस क्वाट अल्फा जल्दी में वो लोगों तो ने मॉड लगाया नहीं होगा मॉड नहीं लगाया होगा तो माइनस भी नहीं आया होगा और माइनस नहीं आएगा तो आंसर भी गलत हो जाएगा ये गलती करी होगी बहुत लोगों ने यह करना था अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी अल्फा वो जो मेरा आ गया को सिकेंड स्क्वायर अल्फा हो गया मा...

ये था क्वेश्चन और या फोर आंसर है एक आप ये भी आप ये भी रिवाइज कर लो अगर आपने नहीं पहले पढ़ाया अगर कहीं पूरा ऑफ ही है मॉड की फॉर्म में फंक्शन है और मुझे डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई डी एक्स तो उसका फॉर्मूला होता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ एक्स इंटू एफ डेक्स बड़ा काम का फॉर्मूला ये मॉड हटाना नहीं पड़ता तो हटाए डिफ्रेंशियट कर सकते हैं मोड ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स डिफ्रेंशियट करना है आपने। तो इस में ये भी कर सकते थे आप कि हमने इस क्वेश्चन में ये भी कर, दीवा 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 ऐसे कर दिया मोड ऑफ एफ एक्स बाय इन टू एफ डैश एक्स इंटू इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना विच इज माइनस कोसिक स्क्वायर अल्फा अगर अब आप रिप्लेस करोगे x को 5 पाई बाय सिक्स तो ये भी कर सकते थे तो फाइव पाइबा सिक्स रिप्लेस करेंगे तो cot सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है तो ये मेरा हो जाएगा cot कॉट पाई बाय वन माइनस कॉड पाई वो होता है रूट थ्री मॉड और ये है वन वन माइनस रूट थ्री ये है माइनस ये हमने दिखा दिखाई था ये फोर आया था तो यहां से देखो आप ये मैं अब ये नेगेटिव क्वांटिटी है यहां साफ दिख रहा है वन माइनस रूट थ्री इज नेगेटिव मॉड हटाएंगे तो रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा मॉड रिटर्न से पॉजिटिव वैल्यू फिर यहां कॉमन लेके मैंने रूट थ्री माइनस वन ये माइनस फोर है तो इससे इस तरह से भी आंसर देखो फोर आ गया आपका तो आपको ये देखना पड़ा मॉड से कैसे निकलेगा बाहर ये तो पता है मैं कैसे निकलेगा नेगेटिव क्वांटिटी ये माइनस लगेगा इसके आगे मॉड से निकलने के लिए वन माइनस रूट थ्री का मॉड है तो रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा तो ये थोड़ा इजी पड़ा होगा शायद देखना लेकिन ये फॉर्मुला लगाना पड़ा है मैं ये वाला मॉड का दूसरी अप्रोच ये थी ये वाला फॉर्मला यूज करके कि आपने पहले मॉड सिंप्लीफाई नहीं किया डेरिवेटिव ले लिया आपने और प्लग इन कर दिया फाइव पैबर सेक्स और उसके बाद आपने देखा मॉड कैसे हटेगा तो दोनों में से कोई भी अप्रोच देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया था थोड़ा ये भी मैं कहूंगा कि ये आया था सेवन के इवनिंग में फर्स्ट डे इवनिंग का पेपर था ये तो इसके अंदर हमें दो तरीके हैं इसके भी एक है कि आप इसको ऐसे लिखो वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वा तो वैसे मुश्किल नहीं हो घर पे करेंगे एग्ज़ाम में कई बार स्ट्रेस में दिमाग नहीं चलता है एक तरीका तो ये मैंने देखा कि यार ये तो देखा वो लग रहा है एक्सप्रेशन क्या कब होता है ये एक्सप्रेशन हो तो मैं एक्स को यहाँ पे साइन अल्फा रिप्लेस कर देता हूँ वाई को साइन बीटा एक्स को साइन अल्फा वाई को साइन बीटा सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्टूशन कर रहा हूँ इसमें क्योंकि जब भी ऐसे वन माइनस एक्स स्क् वन माइनस वाई स्क्र इस तरह के टर्म्स आती हैं तो कई बार हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्टुशन करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैंने वाई को रिप्लेस करा अल्फा एक्स को यहां करा साइन बीटा तो ये बन जाएगा कॉस बीटा ये सॉरी उल्टा है वाई साइन बीटा और ये बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस कॉस अल्फा आ गया ये सेम वे ये साइन अल्फा बीटा बीटा ये मेरा बन गया का sin का अल्फा फॉर्मूलाफाई हो गया इसको मैं ऐसे लिख लिया वापस रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स एक्स और बीटा को साइन इनवर्स वाई तो अब इजी डिफरेंशिएट करना टू इंप्लिसिट फंक्शन है With respect to x replace करना है, तो ये आ गया वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क् रूट वन माइनस वाई स्क्वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आंसर आगे देखो आप तो यहां से डीवाई बाई डी एक्स आगे वेल्यू रिप्लेस करनी है इक्वल टू माइनस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स ये पता है मुझे एक्स हाफ है वन माइनस वन बाय फोर होगा जब x हाफ है तो y की वैल्यू भी गिवन है इसमें माइनस वन बाय फोर है इसका स्क्वायर ये yeah, ये प्लग इन कर दिया तो सिंपलीफाई करना आंसर आ जाता है यहां से अगर आप कहिए तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा कोई टेंशन नहीं है सीधा ऐसी डिफ्रेंशिएट कर दो तो आप इसको तभी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट रूल से कर लो वाई का डेरिवेटिव वाई डैश टेकिंग रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस वाई कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स ऐसे फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्म ज्यादा आई है एक्स का डेरिवेटिव वन एक्स का डेरिवेटिव वन इसको कॉन्स्टेंट लिया वन माइनस वाई स्क्वायर को फिर हमने एक्स को कांस्टेंट लिया इसका डेरिवेटिव वन बाय टू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस टू वाई इंटू वाई डैश भी आएगा साथ में इक्वल टू जीरो चार टर्म आई हैं लेकिन इससे भी आंसर सिंपलीफाई हो जाता है नजर नहीं आ रहा होगा आप देख लो इससे भी सिंपलीफाई हो जाएगा आंसर अगर मैं यहाँ इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं थोड़ा जगह बना के तो इसमें डेरिवेटिव टर्म्स करेंगे ये और ये तो यहां से मैंने कॉमन लिया रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क् आप सिंप्लीफाई कर लेना मैं दिखाता हूँ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क् माइनस टू एक्स वाई टू कैंसिल हो गया माइनस एक्स वाई डिवाइडेड रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इन टू वाई डैश और राइट साइड पर बाकी टर्म को राइट right पर ले जाता हूँ मैं कंबाइन करने के लिए माइनस कॉमन लिया रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ बचा माइनस एक्स वाई और रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एक बस आपने फिर से फील लेनी है कि आंसर आ गया बाकी आप कर लेना अगर जैसे ही एलसीएम लूंगा मैं देखो आप दोनों तरफ ये तो खुद कर लो फील नहीं लेनी मतलब यहाँ से खुद कर लो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे इसको एलसीएम ये इससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा खाली डिनोमीटर्स बच जाएंगे वही एक्सप्रेशन आ गए जो तो साइन इनवर्स से निकाला था हमने आपको होमवर्क कितना कर लेना है इसको आप अगर आपने सोचना है कि इनवर्स में ना कन्वर्ट करें सो स्टिल दिस क्वेश्चन इज़ डूएबल यस इट इज़ डूएबल कैसे आपको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो सिट फंक्शन प्लस टर्म्स चार आई हैं क्योंकि दो बार प्रोडक्ट रूल लगाया है जब ने इसका डिफ्रेंशिएट किया है तो ये दो टर्म आई है इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये दो टर्म आई है चार टर्म आ गए हैं डेलीवेटिक्स टर्म कम्बाइन करिए बाकी टर्म्स कम्बाइन करिए एलसीएम लिया पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया न्यूमलेटर तो थोड़े स्टेप ज़्यादा आए हैं बट कोई ऐसा नहीं नहीं कर सकते थे कर तो सकते ही थे ये इनवर्स नहीं आइडिया आया तो वैसे कर लेते आप तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी था ये एट जनवरी मॉर्निंग में आया है क्वेश्चन तो हम थोड़ा टाइम कम है तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं पूरा करिंग करेंगे बिकॉज टाइम uh, थोड़ा फिनिश हो रहा है मेरा एक, मैं एक टॉपिक और टच कर लेता हूँ अभी तो इसमें कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ क्या इसके अंदर कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये भी डी वाई बाई डी एक्स ये भी डी वाई तो ये कुछ नहीं है इंटीग्रेट ही करना था दोनों साइड को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स है यहाँ पे टू को मैं अंदर ले गया हूँ हाफ ऑफ ये. ये इंटीग्रेट कर, कर दिया तो ये वाई हो गया यहाँ पे आ गया हाफ साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस आएगा कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा सी जरूर आएगा ये एक्सप्रेशन मेरा आ गया शुरू में इंटीग्रेट करके तो ऐसे इंटीग्रल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको लेकिन इंटीग्रल क्या सिंपल ही था दोनों साइड को मतलब तो भी कैंसिल करना था अब मुझे चाहिए मुझे एक तो ये पता है कि इसमें ये है, पे क्या है? व, व, हाफ साइन इन रिप्लेस कर दिया मैंने एफ ऑफ पाए बाय थ्री एफ अलग है वाई अलग है ध्यान रखना दो अलग है इसमें एक ही एक्सप्रेशन आया है दूसरा है माइनस पाए बाय थ्री माइनस सॉरी पाए बाय थ्री क्या माइनस रूट थ्री रूट थ्री रिप्लेस कर दी ये वैल्यू निकालनी है वाई माइनस रूट थ्री वाई एफ माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू हाफ साइन इनवर्स एफ ऑफ माइनस रूट थ्री प्लस सी तो मुझे आप देखो ये मैंने दोनों में क्या करा इंटीग्रेट कर दिया पहले कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया एक बार रूट थ्री रिप्लेस करेगा माइनस रूट थ्री अब मुझे ये चाहिए मैंने सब कर दिया ये अगर वन कहता हूं ये टू तो मैंने कर दिया टू माइनस वन आ गया वाई ऑफ माइनस रूट थ्री माइनस वाई ऑफ रूट थ्री ये मैं गिवन है रिप्लेस ही कर सकते हैं y root 3, by 6 given है। इसको मैंने लिख लिया। equals to half, और यहां पे आया अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है अभी तो ये करना है आपको ये निकालना है एफ ऑफ माइनस रूट थ्री और एफ ऑफ रूट थ्री फिर फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन ये। ये निकालना है तो ये कैसे निकलेगा ये मुश्किल नहीं है टाइम लग रहा है इसके अंदर एफ एक्स फंक्शन गिवन है मेरा अगर मैं यहाँ से एफ एक्स फंक्शन को यहाँ से मेरा एफ एक्स यहाँ कर लेते हैं एफ एक्स फंक्शन के बारे में मुझे एफ ऑफ रूट थ्री निकालना है और माइनस रूट थ्री भी निकालना है एफ ऑफ रूट थ्री तो रूट थ्री प्लग इन कर दिया मैंने ये आएगा साइन टेन इनवर्स रूट थ्री ये पता मुझे क्या होता है टेन इनवर्स रूट थ्री पाई बाई थ्री प्लस कॉट प्लस फिर है साइन कॉट इनवर्स रूट थ्री एक्स रूट थ्री रिप्लेस कर दिया स्क्वायर करके माइनस वन तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है देखो ये बन रहा है साइन पाई बाय थ्री साइन पाई बाय सिक्स स्क्वायर माइनस वन ये हो गया मेरा रूट थ्री बाय टू प्लस हाफ स्क्वायर माइनस वन टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में एड करा रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री ओपन कर लिया मैंने ये आ गया देखो ये आया फोर रूट थ्री फोर प्लस टू रूट थ्री बाय फोर फोर अलग अलग स्प्लेट कर लिया माइनस वन ये इससे कैंसिल हो, 1, 1 1 हो गया और बचा रूट थ्री बाय टू राइट रूट थ्री बाय टू बचा उठा के काम पूरा काम था मैंने यहां पे रिप्लेस किया रूट थ्री बाय टू मैंने ये निकाला सॉरी माइनस साइन रू रूट थ्री बाय टू साइन रूट थ्री बाय टू क्या होता है साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू क्या होता है माइनस फाइव बाय थ्री है अभी देखो आप अभी भी क्वेश्चन हो रहा है लेकिन ये अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ये किससे कैंसिल हो गया फाइव बाई कैंसिल हो गया हाफ इंटू माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई कैंसिल हो गया तो अभी भी क्वेश्चन में थोड़ा काम बचा है वाई एफ माइनस रूट थ्री निकालना है उसके लिए हाफ साइन इन वर्स एफ ऑफ माइनस रूट थ्री निकालना है देखो आप ये अभी भी निकालना है पहले आपने रूट थ्री प्लग इन किया था वो माइनस रूट थ्री प्लग इन करना है तो देखो टाइम लग रहा है इसमें पहले मैंने ये प्लग इन करके निकाला था सारे स्टेप लिखे हुए ऑफ थ्री फंक्शन किया था ये सारे थे अब 3 तो वो आप ये फिनिश अप कर लेना कि रूट थ्री जगह माइनस रूट्री डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से तो आंसर ये आता है माइनस इसमें तो ये हमारा सेकंड पार्ट था अब क्विकली हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं ये हमारा एक बार हम तो ये पार्ट थे जो आपने एक बार मेक शोर sure कर लेना रिवाइज कर लिए हैं मॉड फंक्शन वाई इक्व टू मॉड एक्स फंक्शन के बारे में याद कर लेना इसमें मेन चीजें आपने रिवाइज करनी है इसका ग्राफ याद होना चाहिए मॉड एक्स का फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है वाई इक्व टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो उसको कैसे पीसेस की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे यहाँ मल्टीपल मॉड आ जाते हैं फिर मॉड में इक्वेशंस भी आ जाती हैं उन सबको कैसे सॉल्व करना है अभी टाइम नहीं हमें पढ़ने का तो मॉड के क्वेश्चन पढ़ लेना है जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस थ्री सॉल्व करो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक का पार्ट होता है लेकिन यहाँ भी आ जाता है तो मॉड का पढ़ना है ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने रिवाइज करना है फ्रैक्शनल फंक्शन रिवाइज़ करना है जो अभी देखा था फ्रैक्शनल फंक्शन ये होता है राइट right? तो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड बन है ये ग्राफ होता है उसका राइट इन्वर्स फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन मतलब वाई कोस्ट एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा हमें एक्स को वाई रिप्लेस करना है वाई को ये एक्स को वाई वाई को एक्स ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा इन्वर्स फंक्शन पर ये इन्वर्स फंक्शन बन गया रिप्लेस एक्स बाई वाई एक्स इनके ग्राफ्स क्या होते है? हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन वाई ईच अदर इन वाईक्स टू एक्स लाइन और ये भी ध्यान रखना अगर मेरा, मेरा ऐसे है कि अगर मेरा जी इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है तो मैं ऐसे दोनों साइड का एफ लेकर ऐसे लिख सकता हूँ इसको एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे लिख सकता हूं मैं रिमेम्बर दैट ऐसे लिख सकते हैं इसको, X, सकते सकते है इसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई क्वेश्चन आते हैं इस पर उल्टा भी है अगर जी एफ का इन्वर्स है तो एफ बी जी का इन्वर्स होगा बिकॉज इन्वर्स ऑफ इच अदर ये भी ट्रू होगा दिस और दिस दोनों सेम ही है जी इज इन एफ एफ इज ऑफ़ जी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोनों साइड मैंने जी ले लिया जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ और ये प्रॉपर्टी है अगर दोनों फंक्शन इन्वर्स हैं और जी आपस में इन्वर्स हैं एक दूसरे के तो ये इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन x इज आइडेंटिटी फंक्शन तो दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन और दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ये भी एक्स के इक्वल है ये भी एक्स के इक्वल है तो ये चीज़ें आपने रिवाइज करनी है इन्वर्स फंक्शन की क्योंकि क्वेश्चन हर साल आई रहा है इन्वर्स के ऊपर लेकिन हर एग्जाम में नहीं भी आता है तो यू नो मल्टीपल एग्जाम होते हैं यू नो वट कम्पोजिट फंक्शन इज कम्पिट फंक्शन इज वन वी कैन कैटिनेट द फंक्शंस कि एक एक्स क्या एफ के अंदर एफ क्या जी के अंदर तो मेरा जी ऑफ एफ एक्स आ गया कम्पोजिट हो गया ये कम्बाइनिंग मल्टीपल फंक्शनिट फंक्शन तो ऐसे भी मल्टीपल भी हो सकते हैं तो बस इसमें ध्यान रखना ये एफ है ये जी है, है जो एच है जो लेटर है वो आउटर होगा सबसे बाद में एच रहा है तो एच सबसे बाद में होगा फिर जी होगा फिर एफ होगा ऐसा फंक्शन है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स है ये जो सबसे बाद वाला ब्लॉक है वो सबसे बाहर आता है राइट तो यू नो अबाउट फंक्शन 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 द दैट रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज इवन यू नो दैट इफ अगर एक्स की जगह माइनस भेजते हैं और माइनस बाहर बबल आउट हो जाता है ऑड फंक्शन है एक्स की जगह माइनस एक्स डाला हमने और माइनस बबल आउट होकर बाहर आ गया इट्स एन ऑड फंक्शन इफ ऑफ इक्वल टू है x के साथ माइनस भेजा हमने और माइनस गायब हो गया तो ये वन फंक्शन हो गया इवन फंक्शन के ग्राफ सिमेट्रिकल होते हैं वाई एक्स में जो भी लेफ्ट हाफ है वही राइट right हाफ होगा इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है ऑड फंक्शन के ग्राफ ऑरिजिन में सिमेट्रिकल होते हैं अगर ऐसे है तो वो ऑरिजिन के अबाउट ऐसे होगा कोई ग्राफ ऐसे है तो वो ऐसे होगा सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन होगी कि आपकी मतलब कह सकते हैं एक हाफ दूसरे हाफ की रिफ्लेक्शन है इन बोथ एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेस अगर एक हाथ से दूसरा हाफ चाहिए तो रिफ्लेक्शन आप दोनों एक्सेज में लो और वाई एक्सेज में वी कॉल सिमेट्री अबाउट ऑरिजिन तो मैंने पढ़ाया नहीं है मैंने बताया ये सब चीज़ें आपने रिवाइज करनी है तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे तो हम क्विकली टाइम हमारे पास नहीं है ज़्यादा बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस वेबिनार सो मे वी विल स्पेंड मे बी टेन मोर मिनट्स तो दो ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसके हम तो एक तो पहले ये वाला क्वेश्चन मैं This is a question we can see, which is a very common question. I've seen this kind of question comes in main so many times. उसके form different hai sir bas ye bola hua hai ki f of g, f of g a differentiable function. f of g is an identity function. jo f of g a g x is an identity function. मतलब वो x के equal है ये. है. मतलब f and g inverse हैं एक दूसरे के. ये मतलब है. अब मेरे को मतलब इसको मैं ऐसे लिख लिया. और साथ में ये कुछ कुछ information given है. g dash a 5 है. g a b है. एफ डैश बी निकालना है। इनसे अभी मेकआउट नहीं कर पाओगे आप आपको एफ डैश बी निकालना यह ध्यान रखना है तो मेरा अभी देखो f यहाँ पे है मेरा ये GX है f of GX है अगर इससे बात नहीं बनती तो ये भी ले सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स है दोनों ट्रू है बताया था मैंने आपको ये दोनों सही है इस, इससे काम बनेगा इससे नहीं इस बार राइट नॉट नीडेड ये नहीं ये चाहिए हमें तो क्या करना डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने इसको यही स्टेप होते हैं स्टैंडर्ड स्टेप है इस तरह के क्वेश्चन के डिफ्रेंशिएट कर दिया जी डैश

आइडेंटिटी बन गई थी एक्स को ए प्लग इन करा ए प्लग इन करेंगे तो बना एफ डैश जी ए यहाँ पे और ये बना जी डैश ए और जी डैश ए तो गिवन है में फाइव गिवन है ये फाइव हो गया क्वेश्चन फिनिश हो गया देखो आप और अजीब सा लगेगा जीए आ रहा है क्या करें इस जीए का ये में गिवन है जी ए बी जी ए भी गिवन है जी गिवन है ये जी ए भी गिवन है जी डैश ए भी गिवन है दोनों गिवन है इसको मैंने बी रिप्लेस कर दिया जी डैश ए को फाइव रिप्लेस कर दिया ये आ गया और नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिवाइड कर दिया फाइव से तो मेरा एफ डैश बी वन बाय फाइव आ गया देखो ये यही निकालना था हमें एफ डैश बी तो क्वेश्चन में एक जो आइडेंटिटी फंक्शन था मेरा कौन सा ये एफ ओफ जी ये इससे बचल रहा है कि इन्वर्स फंक्शन है एफ ओफ़ जी एक दूसरे के इन्वर्स हमने यूज़ नहीं किया हमने खाली ये रिलेशनशिप यूज़ की है डिफरेंशिएट किया है इसको हम ये भी लिख सकते थे लेकिन ये हमने यूज़ नहीं करा ये हमें चाहिए क्योंकि हमें एफ बाहर चाहिए एफ डैश बी निकालना है इसलिए डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए एक रिप्लेस कर दिया ये गिवन है ये गिवन है एफ डैश बी आ गया अभी वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जी एक्स ये है मेरा और ऑफ एफ ये है सो वट एयर डू इज कि इसमें अब देखो ये पहला अब इसमें g बाद में है राइट तो पहला फंक्शन मेरा f है यहां पे देखो ऐसे चल रहा है है ये f है मेरा x गया f के अंदर f गया g के अंदर दोनों की कंपोजिशन बिल के मेरा बन गया g ऑफ f एफ एक्स ये मुझे गिवन है

लेकिन इस फंक्शन को क्या मिलेगा अगर मैं फाइव बाई फोर यहां दे रहा हूं तो इसको इसमें यहाँ से क्या आउटपुट आएगा एफ फाइव बाय फोर वो यहाँ जाएगा इसमें तो क्या हो गया मेरा यहाँ प्लग इन कर दिया मैंने और वो आउटपुट क्या आएगा मेरा ये आएगा जब एफ फाइव बाई फोर यहाँ जाके यहाँ आएगा तो मेरा यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ प्लग इन करके एफ फाइव बाय फोर का स्क्वायर प्लस एफ फाइव बाय फोर माइनस वन ये आ रहा है वोट आई रिपीट दैट मुझे फाइबर फोर रिप्लेस करना है इट्स नॉट अ बिग डील दिस आइडिया बिकॉज मुझे वैल्यू निकालनी है फाइव आई फोर एफ फाइव फोर तभी आएगा जब मैं एक्स फाइव आई फोर होगा एक्स फाइव बाई फोर होगा मैंने फाइव फोर प्लग इन कर दिया ये जो मेरा आउटपुट आया फाइव आई फोर मैंने जी की जगह डाल दिया हाँ डाल दिया ये आया ये जो आउटपुट आया वो तो मैं गिवन है क्वेश्चन में फोर एक्स स्क्र एक्स क्या एक्स तो शुरू से वही है फाइवर फोर ही एक्स तो मैंने वही प्लग इन किया है देखो आप ये रिलेशनशिप बनी मेरी कैसे बनी मैंने फाइवर फोर प्लग इन किया एफ फाइव फोर आया जी में डाला ये आया ये आउटपुट आया और ये इसके इक्वल होना चाहिए when x is फाइव आई फोर क्योंकि एक्स फाइवर फोर है शुरू से मैंने फाइवर फोर लिया ये आ गया अब इसको अब यहाँ से सॉल्व करना ईजी है यहाँ से सिंपलीफाई करा ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन फोर कैन सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस फिफ्टी बाय फोर प्लस फाइव एल सी एम फोर से लेके माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी ये बन रहा है माइनस फाइव बाई फोर और कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं इसको टी मान लेते हैं फॉर टाइमिंग एफ फाइव बाई फोर को टी मान लिया सॉल्व करने के लिए तो ये बन रहा है टी स्क् वनवस टू माइनस फाइव बाई फोर इधर लाके टी स्क्वायर स्क्सन इज वन बाय फोर इक्वल टू जीरो फोर टी स्क्वल टू जीरो सो टू टी प्लस वन होल स्क्र इक्वल टू जीरोक्वल टू माइनस हाफ सॉल्व किया तो लेंथी क्वेश्चन नहीं था बट स्टिल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि कैसे हमने कंपोजिशन था दो क्वेश्चन की आइडिया था कि एक्स को फाइव बाय फोर प्लग इन करना और फिर यू नो ये क्वेश्चन बनाकर सोल्व करना था सो दिस इज ये भी देख लेते हैं इनवर्स का बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन में आप मिस नहीं कर सकते मार्क्स लेना मिस करना बिल्कुल मिस नहीं करना मार्क्स लेना ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस निकालना है तो इन्वर्स का क्या होता है x को y y को x करना है जो ये ये मेरा y था इसको उठा के मैंने x कर दिया इन्वर्स निकालना था जहाँ x था वो y कर दिया ये था बस क्वेश्चन अब मुझे यहां से सॉल्व ही करना है इसको बस वाई को यही करना है वाई इन ऑफ एक्स निकालना है इनवर्स फंक्शन निकालना है वाई निकालना है तो सॉल्व करने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने ए टू दार्ट टू वाई को टी ले लिया ये टी मान लिया ये टी मानते ही ये टी हो गया ये माइनस वन बाय टी हो गया ये टी हो गया ये प्लस वन बाय टी हो गया ये बन गया एक्स के है अब यहां से बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है एलसीएम लिया टी स्क् माइनस वन ओवर टी स्क्सन फिर मुझे टी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स सी एन डी लगा दिए कॉम्पूटेंट हो न्यूमरेटर में एड करके ये 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 हो गया तो टू टी स्क् ऑपरेशन लगा रहे हैं एन प्लस डी यहां पे और यहाँ डी माइनस एन न्यूमरेटर में एड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर में सपरेट कर रहे हैं डी माइनस एन तो ये ये टू बनेगा कैंसिल हो गया ये वन माइनस एक्स बनेगा तो मेरा T square आ गया क्या है को वापस प्लग इन कर दिया वो जाएगा ये yeah. लिया on base eight, equals to four by four से डिवाइड भी कर दिया वाई ये आंसर आ गया अब ये चॉइस डायरेक्टली मैच नहीं कर रही है, आप देखेंगे क्योंकि बेस ई e है एट नहीं है कोई भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेस ई e बना लेते हैं प्रॉपर्टी कर लेते हैं लॉग की लॉक ए बी सी ए पे ले गए यहाँ पे भी बेस ई पे एट हो जाएगा वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स इक्व टू वाई एंड देन लास्ट स्टेप में एक इसको देखो कि आंसर ती मैच करेगा इसको न्यूमरेटर में ला रहे हो और न्यूनेटर में लाते हैं तो बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाते हैं ई यहाँ आ जाएगा एट यहाँ आ जाएगा ये चॉइस मैच कर रही है आपकी ये सिम्प्लीफाई करके इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ ले गया आऊँ न्यूमेटर में ले गया हूँ तो ये लॉक की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए नहीं लेसन क्या आ रहा है जो लॉक की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसके अंदर तो अगर वो रिवाइज़ नहीं है तो वो आपने रिवाइज़ करनी है तो अभी हम यहाँ फिनिश करेंगे वेबिनार हमने कुछ लिमिट्स क्वान्टिटी के क्वेश्चन करने थे वो नहीं हो पाए हैं सो आई विल ट्राई टू कवर कुछ मतलब मोस्टली इसके बस क्वान्टिटी डिफ्रेंशबिलटी रह गए थे तीन क्वेश्चन आए थे तो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वेबिनार सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार विच वी आर होस्टिंग ऑन वी एम सी चैनल एज वेल एज वी आर होस्टिंग ऑन डाउट एंड चैनल तो आई डोंट नो वेर यू आर वॉचिंग दिस वेबिनार सो आई गैस एल अगर आपका टॉपिक रिवाइज़ था सब कुछ आपको लगा है कि ये तो आता था हमें तो बहुत अच्छी बात है देन यू रिवाइज़ हो गया लेकिन कुछ भी ऐसा अगर आपने पढ़ा है आज के जो आपको लगा है, मैंने सीखा है मतलब आपने सीखा है कुछ ऐसा क्वेश्चन लगा है कि आपको मेन से क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आपको मेन से क्वेश्चन और करने हैं तो आपको बुक कोई बुराई नहीं है टू के पेपर्स भी कर लेने चाहिए जनवरी के पेपर्स भी हैं अप्रैल के पेपर भी हैं जो जितने पेपर की फील लेंगे जितने आप पेपर करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस उस तरह के पेपर पर पे होगा थोड़ा फर्क था नाइनटीन और ट्वेंटी में क्योंकि इंडिजा टाइप के क्वेश्चन आए थे नाइनटीन में नहीं थे इंडीजा टाइप के थोड़ा मुश्किल भी है पेपर नाइनटीन से लेकिन तब भी पैटर्न काफ़ी स्ट्रक्चर सेम है क्वेश्चन का आई उठ से सेवेंटी एटी सेम ही है so guys if you like uh, this class the way i have taught you and give uh, your comments and you know give give your feedback in comments and uh, please do like this video and if possible share it guys thank you so much bye